हर एक को आदाब अर्ज हो। आज नेखनन ट्विंटक यानी वारी, नेखनन ट्विंटक यानी वारी। और वैसे तो बहुत तरह के समस्या जो हुआ है सूरीनाम में, लेकिन आज भी एक विशेष मुकदमा जज के सामने लाया गया, यानी बहंडलिंग फ्रॉम द फर्जेट सार्क तीख देसी बौतर्स। आप तो शायद जानते होंगे कि कुछ महीना पहले ये बौतर्स को भाई फर्स्टेक इस फॉर ओर डील्ड 20 साल के सजा के बारे में, उसके बारे में ये फर्जेट टेकन किया देसी बौतर्स, और तभी से ये मुकदमा अब फिर से यानी शुरुआत हुआ है। ये मुकदमा आज जिस तरह से अधिवक्ता बौद्ध के अधिवक्ता ने दो अहम सवाल की है ऑडिटर मिलिटेयर से, और इन दोनों सवाल पर यानी ऑडिटर मिलिटेयर आने वाले दिनों में, और जहां तक पता है ड्यूप्लिक में, जिसे वो कहते हैं ड्यूप्लिक में, सेशन 20 फरवरी को 9 बजे इस पर अपना विचार पेश करेगा ऑडिटर मिलिटेयर। तो आज मुकदमा के लिए देशी बहुत से खुद उपस्थित था कोर्ट में, लेकिन एनडीपी अनहांगर्स और श्री देशी बहुत से के पत्नी, इन सब को मौका नहीं मिला यानी कि रक्षाक में भाग लेने के लिए। एनडीपी के अनहांग और देशी बहुत से के पत्नी यानी कि पुराना फर्स्ट लेडी, इन लोगों को सोमसडेस क्रिक के जो ब्रोकी है उस ब्रोकी के पास खड़े होने के इजाजत था, लेकिन अंदर आने के लिए नहीं। तो वो लोग ने बड़ी शिकायत की है, खास करके श्री बौद्ध से के पत्नी शिकायत की है कि हाँ ऐसे कभी नहीं था कि औरत को मौका नहीं जाने के लिए, लेकिन अब सी रोक दी गई है वगैरह वगैरह। मतलब कि वहां पर एक छोटा ग्रुप का मौका था पर यानी कि अंदर जाने के लिए जहां कोर्ट हुआ है। देशी बहुत से खुद में उपस्थित थे और जानते हैं कि वहां के क्रेक्सराट के जो प्रेसिडेंट है श्री मोतनौर जी, श्री बौथर्स से खास करके कही है कि आने वाले कोर्ट में 26 फरवरी को उन्हें उपस्थित होना चाहिए, या जितने कोर्ट हो उन सब कोर्ट में उनको आना चाहिए। चाहे जिस तरह से 26 तारीख को ऑडिटर मिलिटेयर ड्यूप्लिक में कुछ कुछ बात कहेंगे, लेकिन बहुता को वहां पर उपस्थित होना जरूरी है, जिस तरह से क्रेक्सराट का प्रेसिडेंट ने कहा। तो यह मुकदमा 26 तारीख को 9 बजे फिर से होगा, और शायद 26 तारीख फरवरी के बाद मार्च में शायद आखिरी कोर्ट होगा। ये सिर्फ क्रेक्सराट बता सकता है आखिरी कोर्ट, उस कोर्ट में फैसला लेना पड़ेगा क्रेक्सराट को कि ये मुकदमा का खत्म होगा या नहीं खत्म होगा। तो ये अब आने वाले महीना में इनका फैसला हो जाना चाहिए। 26 फरवरी को 9 बजे ड्यूप्लिक जिसे लोग कहते हैं कि आज के बातों के ऊपर अंत और देगा, और ऑडिटर मिलिटेयर, और फिर सिर्फ बहुत सबको आना जरूरी है जिस तरह से क्रेक्सराट का प्रेसिडेंट ने कहा कही है। और दूसरा बात यह है कि शायद 26 तारीख के बाद में शायद एक कोर्ट और होगा जिस कोर्ट में यानी कि क्रेक्सराट अपना फैसला सुनाएगी। भैया जी, यह तो मामला आप सुनते रहना, लेकिन जो कल हुआ है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि एक जबरदस्त धमाका हुआ रिंग वैक नॉर्थ ऑफ द हुक चार्ल्स ब्यूरख। एक जबरदस्त धमाका, चार मोटर गाड़ी अपने में टकराया है, लेकिन दुख के बात है कि फेलिस वाहन जो आगे आगे था, और फेलिस वाहन के पीछे जो ज्यादा से ज्यादा
कामकर्ता खड़े होकर के अपना नौकरी करता है, कोई मोटरगाड़ी या ट्रक या पिकअप उन्हीं के पीछे पहले धक्का लगाया है। एक फेयरनेस मैन, मैंने जैसे कहने के जा रहा हूं, जो पीछे खड़ा था, जिस तरह से गाड़ी रुक जाता है, ये लोग दौड़ करके सामान उठा करके और उसी कंटेनर में फेंकते हैं, आप तो जानते कि किस तरह से ना, तो वही खड़े थे पीछे और वो पीछे में जा करके किसी ने धक्का मार दिया है। मैं बहुत अफसोस के साथ कहने जा रहा हूं कि स्वार आर राइडिंग ऑफ द हुक फ्रॉम द रिंग वेख नॉर्थ एंड न्यू शालस बेरख वेख इन फन। जैसे कि एक आदमी अनफेयरनेस मान इस खिस्टरन ऑफ खुरूलक वेज ओम हुकूमन। एक फेयरनेस मान, जिस तरह से लोग जानते हैं कि पीछे खड़े होकर के मजदूर फेयरनेस साकियस उठा उठा करके कंक्रीट में फेंकता है, जाने न दौड़ करके फिर खड़े हो जाते पीछे, फिर दौड़ करके सामान उठा करके फिर फेंक करके खड़े हो जाते, वहां पर उन लोगों को ऊपर धक्का लगा है। तो एक फेयरनेस मान, उनका धक्का लगने से एन फंस एंड फुटन इज फॉर ब्रेज आउट, ओकर एक पाव एकदम से छिटरा गया और दूसरा पाव सेन अंडर फुट सेट फर्स्ट इन जैन लार्स। वो लार्स पहने थे और वो लार्स में उनका पाव था दूसरा। वार दो दीज वैक्टेस, ओकर दूसरा पाव निकल गई से कट करके निकल गए और वो उसी जिस तरह से लार्स में फंसा था। द मैन एंसर वैक्ट फुट इन द लार्स वेद मेट द एम्बुलेंस फॉर फोर्थ नार हेट फॉर फोर्थ, और जाते हुए समय उनका मृत्यु हो गई है। भाई जी, ये बड़ी दुख वाला बात है भाई, हम आपको ठीक से आप समझा दें ना काका। तो जाने कि जो लोग फेयरनेस वाहन में काम करते हैं, कामकर्ता लोग फेयरनेस वाहन के पीछे खड़े रहता है और फेयरनेस वाहन रह रह करके खड़ा होता है, ये लोग दौड़ करके साकिस उठा करके और उसी कंटेनर में फेंकता है, पिकअप पर या ट्रक पर या कंटेनर में हो ना, बस पीछे से कोई आकर के इन लोगों को धक्का मार दिया है, बस सबके चोट लगा है, सबके चोट लगा है, लेकिन एक के पांव यानी पहले जो धक्का से पहले होकर एक पांव छिटरा गए और एक पांव कट गए उसी लार्स में और उसी लार्स में लार्स से छिटरा करके डांप गिर पड़ा। समझ गए कैसा बात है। द मैन एंसेन वेक्ट फुट इन द लार्स वेदन मेट द एम्बुलेंस फॉर फोर्थ, लेकिन जब ये शुरुआत हुआ जाने के लिए तो उनका मौत हो गया है एम्बुलेंस में। भाई जी, एक पांव उसका एकदम से छितरा गया और एक पांव कट के निकल गया जो उसी लार्स में अभी थक था लार्स में। भैया जी, इतना दुख की ये बात है न भैया जी। और जैसे मैंने कहा भी कि है लाटर स्लाख्त ऑफर स्टोंट on the achterzijde van de vuilniswagen of vuil op te halen. Samen dan? Or hij viel als gevolg van het verkeersongeluk op straat en raakte daarbij zwaar gewond. Pjare bhai, ek truck, ek pick-up, ek personenauto, ye sab jaakar ke piche mein bari-bari dhakka lagaya hai. Bhai ji, जो आदमी का मृत्यु हुई है और जो लोग घायल हुए हैं, हम लोग इस परिवार को शोक संवेदना प्रस्तुत करते हैं। ये बड़ी अफसोस के संदेशा है भाई जी कि मजदूर जो काम करते हैं उन्हें लोग ने देखो धक्का मार दिया पीछे जा करके। फिर आंद्रन खोंदन मुस्तन ओक में द एम्बुलेंस वर्ड फॉर फोर, चार लोग और था और एक तो बेचारा के पांव कट के निकल गया और उनका मौत हो गया है। ये बड़ी दुख के ये संदेशा भाई जी, बहुत अफसोस की ये बात है।
चलेंगे तो एक मुकदमा जो कल था कोर्ट में, मुकदमा जाने की सरनाम में ये पता नहीं है कि कब से बेईमान लोग बैंक के पैसा चोरी करता था। अभी तक हम लोग को ये बात पता नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे ये सब बात सामने आने लगा है। क्रोमोसूतो गिनमार्डो क्रोमोसूतो, एक्स डायरेक्टर फ्रॉम द सूरीनाम से पोस्पर बैंक SPSB, इन्हें कल कोर्ट में आना था, कोर्ट में इनको जरूरी था आने के लिए। रेक्टर मैत्री कुलदीप सिंह के सामने यह मुकदमा पेश हुई है, लेकिन क्रोमोसूतो गिनमार्डो कोर्ट में हाजिर न हुआ, क्योंकि मुमकिन है और फिर बस मैट इसमें कोफिट नहीं खनतीन या कैसे, लेकिन क्रोमोसूतो जो रेक्टर को संदेशा दिया कि वो बीमारी के हालात से कोर्ट में नहीं हाजिर हो पाएगा। क्रोमोसूतो गिनमार्डो बीमारी के वजह से पता नहीं कि बसमैत इसमें तूफित नहीं खनतीन वगैरह या क्या बात है, तो ये कोर्ट में नहीं आया। इसी कारण से रेक्टर कुलदीप सिंह मैत्री ये मुकदमा 9 फरवरी को मुकर्र की है, 9 फरवरी को वहां पर 3 गवाह से सवाल जवाब उठेगा। दिली खत्ता एक फरकला रिंगन, समझे ना भैया। तो इसी कारण से जितने लोग वहां जाते कोर्ट में, ये गिलमार्डो ने भी कहा कि जितने काम उन्होंने किया है, ये शुरुआत में कहा है, वो मिनिस्टर फॉर फिनांसियन गिलमोर हुफजरात के इंस्ट्रक्शन के द्वारा वो काम किया है बैंक में। भाई जी सरनाम के सरकार कई मर्तबा ने कहा कि गिलमोर हुफजरात का ऑफस्पोरिंग किया जाता है, ऑफस्पोरिंग इंटरपोल के लिस्ट पर भी गिलमोर हुफजरात का नाम नहीं पहुंच पाया है। यह गिलमोर हुफजरात है कहां, गिलमोर हुफजरात है कहां भाई जी? यह आदमी नकली सेंट्रल बैंक, यह आदमी अपने मिनिस्ट्री पर बैठ करके और कितनी बैंक के, खास करके जो सरकार के बैंक, और ये बैंक के बात हम करते हैं जसूरी नाम से पोस्पर बैंक के बारे में, जहां तक पता भाई जी ये लोग झाड़ बहार करके यहां पैसा कमाए हैं भाई। अब देखो हुफजरात का कौन सा फेंसी था, इन्हें हुक्म किसने दिया था ये सब पैसा निकालने के लिए, जमीन बेचने के लिए? क्रोमोसूतो जमीन बेच करके बैंक को दिया। तो ये सब बात अब 9 फरवरी को जज के सामने पेश होगा। हमारे भैया जी डच फक्सिनासी कमिटी की तरफ से खबर आया है, डच फक्सिनासी कमिटी एक संदेशा भेजी सर, सुनिए कौन सा संदेशा। खेफ अस्त्रा जनी का नीट ऑन फेफन सेस्टक प्रेशर्स, या कोरोना फक्से फन अस्त्रा जनी का जो अलेन टू खदीद मुतन वार्डन और मेंशन अंडर द फेफन सेस्टक यार, ये डच है डच या डचलैंड का फक्सिनासी कमिटी ये राय दुनिया भर में फैलाया है। भाई जी अगर गलत से बुढ़ौवन को दे दे ले तो गए काम से, अब फेफन सेस्टक के प्रेशर के नीचे लोग को देना चाहिए, ऊपर नहीं। यहू तो बड़ी मुसीबत है भाई। मैं बताना चाहूंगा कि नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका में, नॉर्थ और साउथ अमेरिका, आप तो साउथ अमेरिका में रहते हैं भैया जी, फंडाख आज की बात है, एक मेल पाल जो कोविड 19 के जो लोग बसमैट है और जो लोग का मृत्यु हुई है वो बात आप सुनेंगे,
Noord- en Zuid-Amerika overschrijden 1 miljoen doden door COVID-19. Noord- en Zuid-Amerika, zijn naam, Brazil, Suriname, of Zuid-Noord-Amerika, of Zuid-Amerika, hebben we Zuid-Amerika maar helaas. Nou, bhaiya, je ze milaakar ke 1 miljoen janta ka mrityu ho gayi hai. 1 miljoen mensen. To bhai ji, ye directeur van Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie PAHO, Carissa Etienne, hum log ko sanesha diya hai ki bhai, tu site na samjh janat hoyo, lekin North aur South America mein 1 miljoen se jyada manushya ka mrityu ho gayi hai. ये बस मैटिंग कोविड 19 के बस मैटिंग के जरिए आगे चल करके हम लोग को क्या बात किया है. मेर दान फीरन फिर तक मिलियन मेंशन इन नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका न्यू मेट कोविड 19 बस मैट जैन. प्यारे भाइयों, ये 44 मिलियन जनता इस वक्त बस मैट है. आप खुद बता सकते हैं कि जब आज हमारे देश में हम सूरीनाम के बात करते काकि 154 लोग का मृत्यु हो चुकी है. काल था 125 तक, आज हम बात करते 154 तक. इतना लोग का मृत्यु कोरोना वायरस के द्वारा सूरीनाम में हुआ है 154 तक. नया लोग जो आज 24 घंटे में जो कंट्रोल हुआ है 50 लोग 5 तक में से, इंटेंसिव केयर में 11 लोग हैं, 101 शिकायत में जिन्हों को देखभाल इस वक्त हो रहा है, और कारंटाइन में जितने तो आप तो खुद जानते भाई जी. लेकिन ये 24 घंटे के भीतर में 50 बस मैटे लोग यानी कि उनको कंट्रोल में किया गया है, देखा गया है कि 50 लोग और बस मैट है. तो जनता, एक काम आपको करना चाहिए, देश में अब होशियार से उठना बैठना कारोबार करना, क्योंकि ये कोरोना अब सूरीनाम से हटेगा नहीं. ये तो आकर के जकड़ गया है. हम लोग सोच रहे थे कि ये चला जाएगा, लेकिन लोग ने हम लोग के बात न समझा और न सुनने के तैयार हुआ. कहा गया कि प्रदेश जाने के बंद करो, आना जाना बंद कर दो, खर्च पर ध्यान करो. लेकिन यहां पर वाह हुआ भैया, लोग हंस के उड़ा देते हैं. और देखो रोज आज देखो 50 लोग बस मैट हुआ है. कहां से आए लोग, कौन जगह से आए हैं, कौन रास्ता से लोग आए हैं. जो लोग शायद जिस देश में बस मैट नहीं है, इन लोग के कारण से वो भी बस मैट हो जाएगा. भाई जी, शायद आप लोग नहीं समझ पाते हैं, नेस मास्क का आप लगा लेना, और ये जो अल्कोहल हाथ उसे धोते रहो, और कुछ दूर खड़े हो करके न भाई, दूर खड़े हो करके बात करना, कारोबार करना. ये मुसीबत का समय है, और मुसीबत का समय आपको सामना करना चाहिए. आज जानो सरकार ने रात्रि को 7 बजे से टोटल लॉकडाउन यानी फैसला ले लिया है टोटल, और ये जा करके सोमवार के 5 बजे सवेरे बंद रहेगा. तो कल दिन भर, परसों दिन भर, सोमवार के सवेरे जा करके आप 5 बजे आप फिर काम पर नौकरी पर जाएंगे. लेकिन ये कुछ तीन रोज टोटल लॉकडाउन सरकार ने फैसला किया है. और जिन लोगों को चिट्ठी वगैरह, जिन लोगों को डिस्पेंसेशन है, वो सिर्फ डाम पर रहेगा, कोई काम पर जाता है. कुछ जगह है पर जो जगह खुला रहेगा ना, काम जहां होता है, लेकिन हर एक जगह नहीं. सूरीनाम के जनता, हमारा देश का प्रेसिडेंट जो भी बस मैच हुआ था कोविड 19 से,
पॉजिटिव हत्या स्लो कहते हैं पॉजिटिव, अब ये अच्छा हो रहा है। अब ये समझ जाओ कि इसी वीकेंड में वो खजान फर्कलार कर दी जाएगी, खनीजन फर्कलार। उसका मतलब ये है कि वो अपना कारोबार फिर से यानी शुरुआत करेगा, अभी तक घर पर काम कर रहा है। हाँ भाई जी, अब हम आपको वो संदेश देने के जा रहा हूं, और ये लॉकडाउन के वीकेंड में पानी और स्ट्रोम बिजली बहुत फुर्सत तक आप उसे रहना, क्योंकि पानी और स्ट्रोम बहुत से खर्चा होगा, क्योंकि सब तो घर ही पर रहेगा, तो बहुत ध्यान से आपको काम करना चाहिए और विचार से, ताकि कुछ गलतियां ना होवे, और बच्चों को देखना कि वो सलाई से, लुसिफियर से या आंस्टिक से कोई खिलवाड़ ना करे। जनता जैसा आप जानते मिनिस्टर कैनेट अमोक्सी फॉर यूस्टिसिया पोलिसी रखेलन के तरफ से कहा कि एक लिस्ट तैयार है किन लोगों को कौन बदरेव कौन इंस्टॉलिंग लॉकडाउन के वीकेंड में जिनको टूस्टैनिंग रहेगा ना, तो कुछ लोग जो टूस्टैनिंग है वो एक लिस्ट है मिनिस्टर फॉर यूस्टिसी एंड पोलिसी के पास। और आगे चल करके जिस तरह से 2300 में लोग को देखभाल होते वो लोग को आना जाने में दिक्कत न रहेगा। एंड पर्सोनन डिमुटन डियाली सेरन स्टान ओक खरखस्त्रे एंड जुलन दस ओक आउस हैट नो दस ऑफ स्ट्राट मोख, जो लोग डियाली सेर करना चाहते करते हैं वो लोग को पूरा इजाजत है, आपके पास खड़ी भवैस रहना चाहिए। जब सिपाही आपको डां पर रुकेगा तो आपको कागज दिखाना है कि आप दियाली शेयर करने जा रहे हैं या दियाली शेयर करके लौट रहे हैं। प्यारे जनता, वैसे जो लोग भी कुछ काम और करना चाहेंगे फिया एन नोल फेफ या एन एन फेफ, आप इसको लिख लेना। अगर आप लोग को कुछ तार के द्वारा पूछताछ करना है तो एन नोल फेफ ऑफ एन एन फेफ द पुलिसी कॉमन सेंटर एंड द पुलिसी आपको वहां पर इंफॉर्मेशन देगा। देश का प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी कोविड 19 के बस यानी पॉजिटिव जो टेस्ट हुआ, तो मतलब कि अब सब दुनिया के राजाओं ने और प्रेसिडेंट लोग जिन लोगों को खबर मिला उनमें से प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ये चीना मुल्क का, उनके लिए एक खास पत्र भेजी है उनके बेटे साहब के लिए है। शी ओ पुष्पुदक बेटस का तुखवेंस आज सूरीनाम से प्रेसिडेंट श्री से रखेरिंग और सूरीनाम के रखेरिंग का बहुत जबरदस्त संबंध और बड़ी सालों से है। हम आगे चलते हैं तो यहां पर प्यारे जनता, एक लड़की जो एक फ्रेंड को रिलैक्सी 2 साल से बंद कर दिया, रिलैक्सी फॉर 2 ईयर एक औरत से यानी कि दिसंबर से कहा औरत ने कि देख तो नहीं हो, अब तो हमें तो क्या, हमें ना जरूरी है, तू अपना रास्ता अपना रास्ता। लेकिन वो आदमी बात माना नहीं, वो आते रहे और बात करना चाहते उस बच्ची से, उसको गालियां देते, ये करते वो करते। वो बच्ची का पिता ने अब इस लौंडा से बातचीत करना चाहा, अब वो पार्क मोमेंट ये बच्ची के बाप जो है एक्स फ्रेंडियन का फादर, अपन बपाक मोमेंट लीप है नॉट द वाकन फॉर द मन डी मेट एन होक स्नेल हेट ऑफ हिम ऑफ क्वम, दिस गर्ल बात करे कि समझावे गए कि देख बेटी बातों के न मांगे तो न ये यहां या तो दूसरा कुछ कर वगैरह न। तो अब वो लौंडा से बातचीत करने के गया, लेकिन ये लौंडा जब बुढ़ाव पहुंचा डां पर गाड़ी चला करके होकर कुचलना चाह, बुढ़वा कूदल लेकिन उसका पांव कुचल गया। ट्वे टेनन व्यर्दन खराक दौर द ऑटो ट्वे टेनन फांसन रेक्टर फुट चैत अफ स्नेज कट के निकल गया, 2 अमूलिया कट के निकल गया भैया। एक तो बुढ़वा गया समझावे, बस उनका दो जाने की अंगुलिया पांव के कट के छिटरा गया, तो उन्हें मेजी से हेल्प की गया और वो ये आदमी को सिपाही गिरफ्तार कर लिया है।
एक लाश मिला भाई जी, एक औरत 66 साल की औरत, ये बुधवार को इलाका कमवेन में कुछ दिनों से ये इसका मृत्यु हुई उसी मकान में। जब कुछ महक बाहर आने लगा तो लोग के समझ में आ गया कि ये औरत का मृत्यु हो गई है। सिपाही उस लाश को बसलाख में लिया, लेकिन ऐसे न पता चला कि कोई उस पर हमला किया या कुछ, यानी अत्याचार नहीं, ये नाटी लोग के दोस्त लोग कहते हैं, इसीलिए इस लाश को परिवार के हवाले कर दिया है अंत्येष्टि या दाह संस्कार के लिए। अहमद एम भैया एक बदरेफ में काम करता था। वो बदरेफ रेंदी को एक मशीन बेच करके दिया, एक खराब मशीन सेफनन सेस्टक डिवीजन एरो में। तो भैया ये मोहम्मद एम जी या अहमद एम ये पैसा रेंदी से उन्थान करते गया। रेंदी ऑफ लॉस करता था ना, कंपनी जाने के थोड़े थोड़े में पैसा जाकर के अदा करता था। तो अहमद एम पैसा उन्थान किया, लेकिन अहमद एम यह पैसा 14,000 यूरो बदरेफ के स्टॉर्ट नहीं किया और अहमद एम अभी ओनसलाख से चला गया। तो जब बदरेफ लेजर देखे है कि रेंदी भैया 14,000 अभी कर्जा है, तो उन्हें उनसे बातचीत किया तो कहा नहीं, हम लोग पैसा भर लिए हैं, हम लोग अहमद साहब को पैसा दिया। अहमद गिरफ्तार हुआ, अहमद कोर्ट में इनकार कर रहा है, बोले झूठ बोलत है, हम ये पैसा अनफांग नहीं की है। अब पता नहीं ये क्या होगा, लेकिन प्यारे जनता 10 फरवरी को ये रेक्टर अहमद एम के बारे में फैसला सुनाएगा। हम आगे चलते भाई लोग, और जैसे सब लोग जानते हैं, देश के जनता बहुत कंडाल वगैरह जो घटा पड़ा है, कोरोनी में एक शुद्ध वाटर कनाल कोरोनी में बडल भैया भर घास भूस से बंद है। यह है 500 हेक्टार जमीन जो वहां लांबो खरोंदन है वहां पानी देता है। इसलिए दिस वोजन फ्रॉम द मिनिस्ट्री फॉर ओपन बार वर्कन रीजनल ऑन स्पोर्ट लांबो फेटल फिशराई, ये सब वहां पर अब मौजूद है। जाकर के भैया विंस्टन चोना लोई के सहायता से जो मशीन दिया है वो सब कंडाल सफा कर रहा है, कंडाल सफा कर रहा है, स्वच्छ वाटर कनाल है ना, और फनाब्द जूता पाल तो दैक इसको सफा करेंगे ताकि वहां पर खेती बाड़ी फिर से शुरू हो। 500 हेक्टार खेत है जहां पर लोग धान लगाता है, तो ये काम वहां पर होना चाहिए। जैसे हीरा सिंह के काम देखो, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर से हीरा सिंह सुरक्षा हीरा सिंह, यह वानी का नोट ओस के कमिश्नर, ये अपने स्टाफ और डिस्ट्रिक्ट राज लेते सुरेंद्र गुरदयाल के साथ ये गया है परिवार दाऊद डिपोक्रोमो लाइन 11। तो जाने इसके परिवार के मकान में लड़का खिलवाड़ करते हुए आंस्टेक से घर में आग लगा, और आग लगल और सब जर के राख हो गया। इसी कारण से ये गया परिवार के साथ और गुफ्तगु की है। मैं देख रहा हूं कि तरह तरह के संदेशा जो सुरीनाम रिफीर के बारे में हुआ था, हे भैया हे मौसी, सुरीनाम रिफीर चिनवा लोग एक कॉन्ट्रैक्ट टेकन किया था सुरीनाम के रखेरिंग से, बोले है बाखरन प्रोजेक्ट सुरीनाम रिफीर। सुरीनाम रिफीर यानी कि ज्यादा टोकटोको वगैरह है, क्लेई बड़का जहाज जहां पर भीतर से आना चाहिए, तो क्लेई के वजह से ये जहाज भीतर ना आ पा रहा है। इसी कारण से सुरीनाम रिफीर जहां फार खेल बिछुआ में उसको और गहर खोदना चाहिए, वो गहर खोदने के लिए
बोले कि फार फील और गहर, गहीर मतलब गहीर, चार पांच मीटर और गहीर, ताकि बड़का जहाज माल लेकर के आ सके और यहां से माल लेकर के जाए। तो उपवार आग बस्ती की शुरुआत हुआ है। देखो के ये काम मिलता है, भीतर में मशीन से तोको निकाल करके कहीं तोको फेंकना चाहिए, ताकि बोट बीच बीच में माल लेकर के स्टेकर तक पहुंच जाए, आफन तक, फिर आफन से फिर लौट जाए ओशियान की तरफ। तो यह काम के लिए नया आन बस्तीजिंग शुरू हो गया है, बोले है बाखर प्रोजेक्ट श्री नाम रिफिल। हम अपने देश जनताओं को ये बात कहने जा रहा हूं कि श्री नाम ने सगरों इंदिरा गांधी व्यक्त, कोमिसारस वेटन व्यक्त, मखंता कनाल व्यक्त, हेलिडा क्रिस्टीना, सगरो हाईवे, स्वातन हो ब्रस्त्रात, भैया ये सब फील 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 हजारन मोटर गाड़ी उसे दाम पर आते हैं। अब आप बताइए कि सूरीनाम में इतना सवारी मोटर गाड़ी कैसे इतना गया है, और इतना सवारी सब लोग गाड़ी में बैठ करके आते जाते हैं। अब हम नहीं कहेंगे कि हॉलैंड में मिनिस्टर लोग बाइसाइकिल चलाते या क्या चलाते हैं, वो बात हम ना कहते हैं, लेकिन हम लोग तो गाड़ी चलाते हैं, लेकिन हम लोग फीवर में पड़ जाते हैं। जनता को मालूम होना चाहिए कि एक रास्ता के बड़ी जई शराब भी रहता है, आप लोग कोशिश करियो भी जई शराब से निकलने के लिए ना, ताकि फीवर कट जाए, फीवर टूट जाए। ये फीवर न भाई जी, इसी कारण से आज बहुत आरेडिंग हो रहा सूरीनाम में। आप लोग से निवेदन है कि अगर एक घर में चार लोग रहते तो चार गाड़ी से बाहर मत जाओ, कोशिश करो एक गाड़ी बैठ करके जाने के लिए। इसमें आपको फायदा है, तेल वगैरह के खर्चा कम रहेगा और आर रेडिंग से बचेगा और फीला से बचेगा। ये बड़ी गड़बड़ बात है भाई जी। हा? बहुत जमाना तो मुझे पता भाई कि लोग गधा गाड़ी चलाते थे, दूर दूर से गधा गाड़ी, जैसे मार्गदर्शन, बड़ी मेहनत से एक मोटर गाड़ी आप देखते थे, एक एक शिफ्रोलेट या इम्पाला पुराना ढंग के, कि ये गाड़ी जो छोटे छोटे गाड़ी। और आज देखो सूरीनाम में ऑटो मार्ग जहां है, पहले गाड़ी बिकता था फर्नांडस में, वैसे कैर्स्टन में, आजकल भैया रुजीशा दिलीप सरजू के पास ना, फर्नांडस में सी है एम में इसी गाड़ी रहा। लेकिन आज देखो एक रास्ता है पठभवानी का, एक रास्ता क्वाटा, तो डांग के बगल में 2000 गाड़ी, 3000 खेत में खड़ा, 15000 वहां खड़ा ना। पहले ऐसे ना रहा भैया, पहले फर्नांडस रहे, सी है एम रहे, गाड़ी वहां जाकर के खरीदो, एक पुराना गाड़ी इन रिफर करो, नया गाड़ी लो। और लोग ने पुराना गाड़ी खरीद लिया करते थे, लेकिन अचानक बाप आयल सन्ना में ऐसा तूफान कि आप देखियो जहां पर स्लोप वाहन है, स्लोप वाहन के ट्रेन पर जाइयो तो करीबन 10,000-15,000 गाड़ी पड़ल है। भैया बचाइए, ये सब कैसे फरांतोर्थ होगा दुनिया में है? तो हम लोग इस बात से हैरान है कि इतना गाड़ी भी दाम पर खड़ा है, ऊपर खड़ा, वहां बिके ना। और जितने लोग हैं सब सिर्फ गाड़ी में घूमते रहते हैं। सूरीनाम में मनुष्य ज्यादा मोटर गाड़ी है। अब हम आगे चल करके प्यारे भैया देखो, ये लॉकडाउन के मामला है, अभी 7 बजे लॉकडाउन का शुरुआत होगा, और ये लॉकडाउन टोटल लॉकडाउन के बात है।
फिर भी आक्षी के मामला जो है ये इंसान को धमकी बंद कर देना चाहिए। पता चला कि जो एबीएस में लोग काम करते हैं, एबीएस के कामकर्ता, एबीएस के मजदूर, आप जैसे कि आप एक रिकरिंग आप भर लो है स्ट्रोम के खर्चा 2000, तो एबीएस लोग उस पर सिर्फ 20% उन लोग को लगेगा, कामकर्ता को खाली 20% लगता है, और बाकी जो जनता है बाहर वो लोग को पूरा तारीफ भरना पड़ता है। तो ये बात जब पता चला कि भैया वीरेन अयोध्या एक प्रोग्राम में, एक रेडियो प्रोग्राम में कहा कि जो कामकर्ता के सब्सिडियर किया जाता है, मतलब कि जो लोग को पूरा तारीफ भरना चाहिए लेकिन 10% खाली भरते हैं या 20%, तो अब वो लोग को पूरा पैसा भरना चाहिए। बस वहां के फागबोवी सिंह बिगड़ गए भाई, फागबोवी सिंह भैया खेर रिंग्स बोले ना 7 साल से हम लोग ऐसे के पैसा भरते गए हैं कम करता लो, तो अचानक कैसे हम लोग सब पैसा भरेंगे। तो ये मामला अब बातचीत हो रहा है फागबोवी सिंह और मुझे पता अभी एबीएस इन लोगों को बात करना पड़ेगा, क्योंकि ये कामकर्ता 20% खाली पैसा भरे है रिकरिंग, जैसे कि 2000 तो 2000 के खाली 20% भरे गए। और वीरेन अयोध्या जो इसके बारे में जिक्र किया था तो एक टेलीविजन प्रोग्राम में, तो वहां के फागबोवी सिंह नाराज हो गया, बोले ना ठेंगा हम लोग पैसा उतने भरेंगे जो हम लोग 7 साल से भरते आए हैं। तो देखो देश में लोग परिवर्तन के पसंद नहीं करता है, देश में परिवर्तन फरांदरिंग फरबीतरिंग उसे हम लोग भागते हैं। यही सब बात है भाई जी कि आप देखो कि जब हमारा देश में अंधविश्वास का शुरुआत हुआ है, कोई तरीका से मिनिस्टर ने अंधविश्वास को शुरुआत किया है कि आपको चाहिए अपना लेस पॉकेट इन जाकर के लेने के लिए। अब पता चला कि सब स्कूलों में लेस पॉकेट इन ना पहुंच पाया है, तो यह बात जरूरी है कि हर स्कूल में होना चाहिए। अगर मिनिस्टर ने वादा दिया कि लेस पॉकेट इन मिलेगा तो हर एक स्कूल में पहुंच जाना चाहिए ताकि बच्चों शुरू करे पढ़े के न भैया, नहीं तो वही हाल होएगा कि जब आपके लिए ये कोरोना वायरस रह जाएगा तो स्कूल न लगेगा, और न स्कूल लगेगा तो हमारा देश में हर एक साल में, हर एक 5 साल में एक चुनाव देश में होता है, तो पार्लियामेंट में केव जाकर के बैठेगा, काकि जब कोई स्कूल में कभी गए न है वो अपन नाम न लिखे जानत है न, तो कैसे करियो जब कोई स्कूल में स्कूल के बामी में न बैठा, तो 5 साल में ऐसा आदमी पठा दियो पार्लियामेंट में तो होगा का भला भैया, कौन सी होगा श्री नाम में। तो इसी कारण से हर एक को लेस पॉकेट लेना चाहिए, स्कूल में पढ़ना चाहिए और डिप्लोमा हासिल करो। अगर डिप्लोमा हासिल न करेंगे और भैया वही हाल होगा ना, कि जैसे भैया राजा ने कहा था एक मर्तबा बीरबल से, बीरबल ये बात हम दोहराएगा फिर से कि जाकर के सवाल करो कि गधा के पूछ क्यों गीज दिया गया है, गधा के पूछे क्यों गीज दिया है, जे इसका जवाब ठीक से देगा उन्हें असंभ्रेग कुर्सी मिलेगा, राजा ने कहा था ना, तो आप तो समझ गए कि मेरा मतलब क्या है, है? क्योंकि गधा के दिमाग न है लेकिन पूछी है तो पूछी से क्या कर सकते आप लोग क्या तो वो हाल वाला चीज हम लोग न चाहिए भाई जी, समझे ना, समझ जाना। तो इस सब बात से हम लोग को तनी से होशियार होना चाहिए भाई बहनों। ट्रेन, एक ट्रेन भाई ओमन आग लगा है,
Nieuwweg of Onderweg, een terrein aan de Nieuwweg of Onderweg. God, barbar, bhaiya, barbar, 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 barbar. He? Ter hoogte van Korosburgweg pahunch jata hai. To brandweer pahuncha waha bujhane ke liye. Brandweer. Aise aag se khilwaar mat karo kaka. Larkan se kaho, sab se kaho, na? To hamare Suriname ke janta, ye regering नया रेहल्स फ्लाइट के लिए तैयार किया है उड़ान नीदरलैंड के लिए फीएस के लिए ब्राजील के लिए और गयाना के लिए टॉप एंड द चीफ फेब्रुवारी ओकरे बाद में सब लुफ्टरूम बंद रहेगा टॉप एंड द 15 फेब्रुवारी वेर खसलूटन इतना बात याद रखियो तो जो शरीफ लोग जो आते जाते कोई विशेष कारण से सिर्फ वही लोग के लिए ये फ्लाइट रहेगा अमेरिका में जा सकता नीदरलैंड ब्राजील और गयाना और नहीं कहीं तो ये सब बात रहा बोलने के लिए स्कूल के बारे में आप जानते हैं कंतूर के बारे में भी आप जानते हैं ना हम लोग को तनी से होशियार से रहना चाहिए भाई जी और जो बातचीत चल रहा है हमारे देश में सरकार चाहते हैं कि उन्हें मोहलत दो ताकि वो 9 महीना के भीतर में एक प्रोग्राम तैयार करे और देश में परिवर्तन लाया जाए तो सरकार को आपको मौका देना चाहिए ताकि वो अपना काम करे आप तो जानते हैं कि आईडीबी से वो काम कर रहा है यानी कि जितना बड़ा बड़ा कर्जा लिया है पुराना सरकार हैश केकिंग के लिए उससे बात करके और कमती रेंट बना करके वो पैसा कर्जा वो सरकार अदा करना चाहते हैं सरकार को मौका दो ताकि वो अपना काम करे अगर सरकार के काम वो करना चाहता है अगर आप यहां वहां हल्ला मचाएंगे कि मार्क्सी करेंगे तूफान करेंगे ये करेंगे वो करेंगे उसमें कोई के फायदा नहीं भाई जी क्योंकि सरकार 5 साल के लिए बैठा है जिसका फोर्सेटर फेहपी का प्रेसिडेंट देश का श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी और आबब का फोर्सेटर रॉनी ब्रुंसविक फिशर प्रेसिडेंट है और उन लोगों का मिनिस्टर्स वगैरह आप लोग को चाहिए इनको मौका दे ताकि ये अपना काम करे जनता के वादा दिया है तो आप लोग को मौका देना चाहिए ताकि ये लोग देश जनता के बताए हुए बातों और जो वादा दिए हैं उसको निभाए यही बात कहना रहा भाई जी और हम लोग को चाहिए ये कोरोना वायरस जब 50 को आज देखा गया 24 घंटे में तो ये मुमकिन कि ये लौट के जाएगा लेकिन आप चाहे तो ये सरनाम में से हट सकता है जब आप सरकार के कानून को न ठुकराएगा सरकार ने कहा भैया जी और खास करके ये लॉकडाउन जो टोट लॉकडाउन सबके घरे रहे चाहिए पता है मालूम है कि काहे को लोग घरे न रहना चाहते हैं सब लोग के पता है कि काहे के मन लगता है यहां वहां ए भैया टेलीफोन है ना टेलीफोन से बात कर लो दुई रात के दुई तीन रात के खाके ना और सरकार एक बात और कहा है यूएसटीसी का मिनिस्टर कि जो लोग दुकान के सामने बैठ करके दारू पिएगा उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और शायद दुकान के फरखने भी मुसीबत पड़ सकता है दारू पियो तो घर में पियो ये भैया कहे के दुकान के सामने जब दारू पियत हो तो ई सब बतिया तने याद करिए काका और एक आखिरी बात हम कहेंगे ये लॉकडाउन के समय सब लोग घर में रहेगा बुढ़ुआ रहेगा बुढ़िया रहेगा नौजवान रहेगा लड़का रहेगा लड़की रहेगा सब रहेगा तो इसी कारण से हर एक को चाहिए एक पर ध्यान रखने के लिए हर एक को चाहिए सब लोग को ऊपर ध्यान करियो आप लोग तनी कंट्रोल करियो कि कुछ गड़बड़ न हो पावे किसी के साथ कुछ अन्याय न हो पाए है तू जाने कि जिस तरह से बलात्कार के बात न सुनते हैं रेप के बात न सुनते हैं इन तमाम चीजों से तनी बच के रहना भाई जी देखो हम आपका समय बहुत नहीं लूंगा भाई जी ये प्रार्थना है खरी आप देखो हाँ आखिरी में तो ये बात है कि आज जुमा की बात रहा कितने मस्जिद बंद अभी तक मंदिर बंद है या कहीं कहीं लोग जाते हैं एक दो लोग है
मरने के बाद तो आप खुद जानते हैं कितने मेहनत से एक अंत्येष्टि क्रिया लोग करते हैं ना। तो आप लोग खड़े बैठे हो तो प्रार्थना करो, पूजा करो, कुरान ख्वानी करो, किताब सुनो और माफी मांगो भैया खुदा से, अल्लाह से माफी मांगो, प्रभु परमात्मा से जो आपने गलत किए हैं अब उसको क्षमा मांगो, क्योंकि जितनी गलत हुआ है दुनिया में ये गलत के नतीजा है। आज भाई तो जाने कि बाइबल में और कितनी पुस्तक में ये बात है कि एक रोज दुनिया भस्म हो जाएगा, क्योंकि ये पाप से ये भर जाएगा दुनिया, पाप से तो ये दुनिया भी खत्म हो जाएगा। ये समय आ गया है काका, लेकिन हम लोग को हिम्मत हारना चाहिए, प्रभु के सामने गिड़गिड़ा करके, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा करके माफी मांगो, तौबा करो। ये गलतियां जो इंसान ने किया है ये सब इंसान के गलतियों से ये हुआ है। ये कोरोना किसने लाया है, कैसे आया है, सूरीनाम में कैसे आया है, कैसे शुरुआत हुआ है, इन तमाम चीजों पर गुफ्तगू करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें हम इंसान मनुष्य गुनाहगार है। तो आप लोग माफी मांगो प्रभु से, अल्लाह से दुआ करो, वो हम लोग के बात सुनता है और आप को क्षमा भी कर सकेगा अपने देश के लिए, अपने सरकार के लिए। और सरकार को मौका दो कि जब वो आपसे मौका मांगा है कि मुझे मौका दो कि हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उन्हें मौका दो ताकि वो हमारे लिए, आपके लिए, देश के लिए, गरीबों के लिए, अपाहिज के लिए, हर एक के लिए सरकार काम करे। यही हम लोग के चाहिए करने के लिए और दूसरा चीज नहीं। मेरा सलाम दीजिए, हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। उशैन नालोब स्त्रात नंबर 12 टोटन 6 से श्रीमान अनिल सुखलाल सौख के साथ ये सूचना देते हैं। बोटिया निवारी के 27/64 64 साल के उम्र में श्रीमान अनिल सुखलाल के सास श्रीमती मीला सुखलाल रघुबर के माँ सिलिकाट स्त्रात नंबर 12 टोटन 5 के रहने वाली श्रीमती लीलावती लक्ष्मी प्रसाद सुखन की मृत्यु हुई है। इन्हें लोग ज्यादा बेया के नाम से जानते थे। अपने जिंदगी में फेरकोप स्थिति सेंट्रल मार्ग पर अर्थी आने वाले मंगल फ़रवरी के 2 सुबह 9 घर पर रखा जाएगा। 12 सिलिकाट स्त्रात नंबर 12 टोटन 5 से अर्थी उठाई जाएगी। 2 वहनाजी पर दाह क्रिया की जाएगी। बैठक आने वाले सोमवार फ़रवरी के 1 की जाएगी घर पर शाम में 4:30 से 5:30 तक। सभी COVID-19 मातृहल के साथ तमाम परिवार हर एक को ये खबर दी जाती है। सिलिकाट स्त्रात नंबर 12 टोटन 5 से श्रीमान राजेंद्र सिंह लक्ष्मी प्रसाद सौख के साथ ये सूचना देते हैं। बोटिया निवारी के 27/64 64 के उम्र में श्रीमान राजेंद्र सिंह लक्ष्मी प्रसाद के पत्नी 4 लड़कों के माँ 2 दामाद और 1 पतो के सास 2 लड़कों के नानी 3 लड़कों के आजी 3 देवर और 4 ननद के भौजी छोटकी के बरकी नंदोई के सरहज सभी लड़कों के बरकी माई और मामी स्वर्गीय रमेश लक्ष्मी प्रसाद स्वर्गीय बंसराजी लक्ष्मी प्रसाद रामकिशुन सिंह के पतो स्वर्गीय धुन झमाई स्वर्गीय रामदुलारी झमाई सुखन के बेटी सिलिकाट स्त्रात नंबर 12 टोटन 5 के रहने वाली श्रीमती लीलावती लक्ष्मी प्रसाद सुखन की मृत्यु हुई है। इन्हें लोग ज्यादा बेया के नाम से जानते थे। अर्थी मंगल फ़रवरी के 2 सुबह 9 घर पर रखा जाएगा।
12 बजे सिलिकॉट स्ट्रीट नंबर 12 टोटन 5 से अर्थे उठाई जाएगी। 2 बजे वेखनरजी पर दाह क्रिया की जाएगी। बैठक सोमवार फरवरी के पहली तारीख की जाएगी। शाम में 4:30 से 5:30 बजे तक घर पर सभी कोविड 19 मातृहल के साथ तमाम परिवार हर एक को ये खबर दी जाती है। बाबू खे सेवराज सिंह वैख नंबर 97 से श्रीमान कुमार झमाई सौख के साथ ये सूचना देते हैं। बुध यानी वारी के 27 तारीख 64 फिरंजस्तख साल के उम्र में श्रीमान कुमार झमाई के बहन श्रीमती सीता झमाई हरि नारायण के ननद अंजनी के फुआ अश्विन धौताल के फुआ सास नंदिता और केशव के नानी स्वर्गीय धुन झमाई स्वर्गीय दुलारी झमाई सुखन के बेटी सिलिकॉट स्ट्रीट नंबर 12 टोटन 5 के रहने वाली श्रीमती लीलावती लक्ष्मी प्रसाद सुखन की मृत्यु हुई है। इन्हें लोग ज्यादा बेया के नाम से जानते थे। अपने जिंदगी में फेरकोपस्टर थी सेंट्रल मार्ग पर। अर्थी आने वाले मंगल फरवरी के 2 तारीख सुबह 9 बजे घर पर रखा जाएगा। 12 बजे सिलिकॉट स्ट्रीट 12 टोटन 5 से अर्थी उठाई जाएगी। 2 बजे वेखनरजी पर दाह क्रिया की जाएगी। बैठक आने वाले सोमवार फरवरी के पहली तारीख की जाएगी। शाम में 4:30 से 5:30 बजे तक घर पर सभी कोविड 19 मातृहल के साथ तमाम परिवार हर एक को ये खबर दी जाती है। बधाई या खुशियाँ पेश होते हैं 75वीं सालगिरह के जिक्र किया जाता है। औस्त स्वर बिंदिंग सिनाबो किलोमीटर 35 नंबर 134 कमवेन के रहने वाली श्रीमती चंद्रवती आलगो खुनखुन खुशनसीब देवी है। 75वीं सालगिरह शनिचर यानी वारी के 30 तारीख आज है। 75वीं सालगिरह तो खुशनसीबों के जिंदगी में आते हैं। खुशी के दिन तारीख पर श्रीमान विजय आलगो अपनी प्यारी माँ श्रीमती गायत्री कान्हाई अपनी प्यारी सास 5 बेटा और 5 बेटी अपनी प्यारी माँ 2 पतो और 5 दामाद अपनी प्यारी सास सभी लड़के खुश होकर अपनी प्यारी आजी और प्यारी नानी को बहुत से प्यार खुशियाँ बधाइयाँ आज देते हैं। हम है तेरे प्यार की कलिया हम है तेरे प्यार की कलिया तू ममता की डाली जन्म दिवस आपको बधाई हमको जन्म देने वाली। Goedemorgen en welkom bij deze uitzending van gisteren, vandaag en morgen. Rashid Pirkans, Kul Aj Orkul. Dit is de live uitzending van zaterdag 30 januari. En Kul Aj Orkul is live te beluisteren vanuit Paramaribo op RP de Hot One 89.7 FM. Het is ook live te zien via YouTube en daarvoor klikt u op de YouTube source RBN Suriname. Verder is de uitzending ook live te volgen via www.dbsuriname.com en ook landelijk te zien via RBN TV kanaal 5.1. Ik ben Serena Esset en ik presenteer u gisteren, vandaag en morgen Rashid Pirkans Kul Aj Orkul. Ik start alvast door iedereen die een dierbare verloren heeft te condoleren. We hebben gezien dat er deze week helaas wederom een hele zware aanrijding heeft plaatsgevonden met een dodelijke afloop tot gevolg. Er zijn enorm veel ernstige aanrijdingen voor het begin van dit jaar. Alleen in deze maand januari zijn er al een aantal aanrijdingen met dodelijke afloop. En willen we in de eerste plaats alle nabestaanden van deze slachtoffers condoleren.
En dan direct ook een beroep doen op alle verkeersdeelnemers om echt de verkeersregels in acht te nemen en ook gewoon fatsoenlijk rijgedrag te vertonen, omdat het vreselijk is dat op deze kleine schaal van een samenleving waarin we zijn, dat er zoveel verkeersdoden plaatsvinden. Maar alle nabestaanden gecondoleerd en heel veel sterkte toegewenst. Ook de mensen die ziek zijn, te denken aan de mensen in de ziekenhuizen. Als je thuis bent en je voelt zich niet zo prettig, ook van harte beterschap toegewenst. Nou, dan heb ik een bekendmaking voor u. Dagblad Suriname komt vandaag wegens de total lockdown niet uit. En de digitale versie is gratis alleen op zaterdag 30 januari. En dat kunt u vinden op www.dbsuriname.com. Of u kunt het via de app ontvangen en dan kunt u daarvoor uw verzoek sturen naar het telefoonnummer 8525757. Nou, aan de jarigen, die willen natuurlijk ook van harte feliciteren. En we beginnen met de jarigen van vandaag. En de eerste is Anton Karrig. Hij is advocaat, ook politiek actief, mijn collega. En ik wil hem bij deze van harte feliciteren met zijn jarig. En ik hoop dat ondanks de COVID-situatie je toch een hele fijne dag mag hebben. Verder is vandaag ook nog jarig Safira Molles en Surin Jagannath. Morgen mogen hun jaardag gaan vieren Shakita Sylvester Wiebers, Michelle Lofosang en Preciosa Heines. Alvast van harte gefeliciteerd. En maandag mag ze jaardag gaan vieren Skalit Munslag. Dat is een jonge man naar wie ik persoonlijk opkijk en heel veel respect voor heb. Dus TKD en alvast gefeliciteerd. Brian Castiri, ook een hele geweldige man. Ook naar wie ik opkijk en voor wie ik respect heb. Dus gefeliciteerd. En Alexander Fernandez, allen van harte gefeliciteerd. Nou, dan ga ik u de prijzen doorgeven. De olieprijzen vandaag is US dollar 52,20. De goudprijs voor vandaag is vastgesteld op $1,850.30. Nou, dan starten we met COVID-nieuws. We zitten in een total lockdown. En laten we eerst beginnen met de cijfers. Het aantal besmettingen tot op heden is 8.364. En het aantal mensen dat van COVID genezen is in Suriname is 7.568. Het aantal mensen dat is overleden is 154. De mensen die in het ziekenhuis zijn wegens COVID, dat is 75 personen. En helaas zijn er nu 12 mensen in intensive care. En in isolatie, dus de mensen die positief zijn getest, dat is er nu 240. Wereldwijd zijn er meer dan 100 miljoen besmettingen. En het aantal doden wegens COVID wereldwijd is 2 miljoen. En het continent dat het meest getroffen is door COVID, dat zijn de Amerika's met 44 miljoen besmettingen. Europa, die is de tweede. Het is 33 miljoen. En we moeten zeggen dat in die hele COVID-pandemie zien we dat Afrika het toch voor elkaar gekregen heeft om het in vergelijking met de andere continenten in de wereld het redelijk beheersbaar te houden en Zuid-Afrika op 2 miljoen cases. Dus dat is in elk geval wel een positieve ontwikkeling voor wat Afrika betreft, omdat Afrika meestal in een heel negatief daglicht belicht wordt. En we zien in die COVID-pandemie dat van alle continenten Afrika het toch in vergelijking met hun een beetje onder controle heeft. Nou, we gooien direct de lijnen open. U weet, er zijn rules en regulations. U mag bellen, u mag uw opmerkingen maken, uw vragen stellen, uw bijdrage leveren. En we gaan samen een leuke uitzending ervan maken. En u kunt hierbij bellen naar het nummer 53 20 37. Nou, we beginnen dan ook met de ontwikkelingen van COVID, omdat dat ons allemaal bezighoudt. We zitten nu op dit moment in een total lockdown. We hebben gezien dat voor wat januari betreft er tot eergisteren al 33 doden zijn, alleen in januari. Dus het is er zeer ernstig aan toe en de regering hoopt dat met deze maatregelen dat de situatie onder controle gehouden wordt.
Gelukkig zijn alle ministers negatief getest. We weten dat de president positief getest is op COVID. En natuurlijk wanneer een persoon positief getest is, dan worden direct ook de testen gedaan aan de mensen in de directe omgeving. Vooral nu het betreft onze hoogwaardigheidsbekleders. Maar gelukkig, de ministers zijn allemaal negatief getest op COVID. Nou, die strenge lockdown die is er. Iedereen die moet thuis blijven dit weekend en ook volgend weekend. Maar toch zijn er bepaalde werkzaamheden die verricht moeten worden. Waaronder de veeboeren. Toch, dat zijn degenen die de kippen kweken. Die aan veeteelt doen. En er is een situatie ontstaan waarbij de boeren geklaagd hebben. En zeggen dat ze heel moeizaam hun dispensatiebrieven konden krijgen. Omdat natuurlijk die kippen die gekweekt worden, die moeten worden verzorgd. Toch, ze kunnen niet aan hun lot worden overgelaten. Anders kan het zorgen voor enorme schade. En moeten de boeren daarvoor hun dispensatie krijgen? Dat komt moeizaam op gang en is er daarvoor dan ook aandacht gevraagd. Goedemorgen, u bent live in de uitzending. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik spreek met Ewald. Ik wilde een onderwerp aansnijden. Het is namelijk zo dat al 6 maanden mensen die voor zijn gegaan voor de rijexamens en die dan wachten op hun rijbewijs, die dan door zijn gekomen, dus zijn geslaagd, maar nog al zes maanden wachten op hun rijbewijs. Maar is het niet een beetje onverantwoordelijk van de overheid dat deze mensen zo lang moeten wachten op hun rijbewijs? Kijk, ik kan me best voorstellen dat er misschien een financiële probleem is. Maar om die mensen tegemoet te komen, zou dat niet mogelijk kunnen zijn die mensen een voorlopig rijbewijs te geven? Een voorlopige verklaring dat ze mochten rijden? Want wat zijn de gevolgen hiervan? Je hebt mensen die al 6 maanden al, jonge mensen die al 6 maanden al geslaagd zijn en dat ze hun ervaring straks verliezen in het verkeer. En als ze straks misschien na 8 maanden hun rijbewijs krijgen, dan gaan ze ook een beetje zenuwachtig en onervarend weer in het verkeer deelnemen met alle gevolgen van dien. Heeft de overheid niet daaraan gedacht en dat je misschien al je tijd hebt genomen en je geld en dat je geslaagd bent en dat je toch geen gebruik kan maken van wat je hebt behaald. En mensen die dan brood nodig hebben voor hun werk en ook voor een baan dat ze misschien een vooruitzicht hebben, dat ze taxi gaan rijden. En dat ze zo in de verlegenheid zitten. En met de onmogelijk ding, je bent geslaagd, maar je kan niet rijden. Duidelijk. Kan je misschien een beroep doen op de overheid, via uw media, dat de overheid ook misschien een beetje mee luistert, om dan die mensen tegemoet te komen met een voorlopig rijbewijs. En dat is de mogelijkheid. Ja. Dat was mijn vraag. Dank u. Ik was hiervan niet eens op de hoogte dat deze issue speelde. Dus hartelijk dank aan de beller dat hij dit toch aankaart. Omdat indien en voor zover dat zo is, dat men lang moet wachten op hun rijbewijzen nu. En dat er daar een issue is die er speelt. Dan had de overheid inderdaad een oplossing daarvoor moeten zoeken. Want het kan niet zo zijn dat je rijbewijs maakt en je vervolgens maanden moet wachten daarop. Dus ik weet niet of het zo is, maar indien en voor zover dat waar mag zijn, dan had de overheid een tussenoplossing moeten zoeken. En wat de beller aangeeft, dat je eventueel een voorlopige verklaring zou kunnen krijgen van dus de dienstdoende afdeling die dat afhandelt. Dat zou inderdaad een efficiënte manier zijn om in afwachting op het rijbewijs, om de mensen dan toch tegemoet te komen. Omdat mensen misschien ook intussen een auto hebben gekocht. Toch ervan uitgaan dat ze toch het examen gehaald hebben en het rijbewijs nodig hebben om eventueel aan inkomsten te komen. Dus hopelijk dat de autoriteiten mee luisteren. En dan wordt er ook een beroep gedaan om dat aan te pakken en een tussenoplossing te zoeken. Terugkomend op COVID. We zien ook dat het bevestigd is dat er tot 15 februari geen vluchten worden uitgevoerd, ook geen charters. En op vluchten worden alleen mensen toegestaan echt die dringende medische behandeling behoeven en bijzondere gevallen.
Ook meneer Girmar de Kromosutu die is positief getest op COVID. De rechtszaak betreffende de SPSB-bank dat zich verhoudt met de hele toestand rondom de centrale bank. Die zou voorgaan, maar die zitting is uitgesteld wegens de COVID-situatie van meneer Kromosutu. Nou, dan over naar het vaccin. COVAX, dat is een wereldwijde organisatie die zich erop richt dat de distributie van het vaccin op een eerlijke wijze moet geschieden. En Suriname heeft intussen ongeveer $750,000 betaald. En daarvoor gaat Suriname tussen 2.000 en 3.000 doses aan die vaccins krijgen. En de eerste bestending kunnen ongeveer 1.500 personen worden gevaccineerd. En we weten al dat er prioriteitsgroepen zijn. En de eerste zijn onze frontline werkers, de gezondheidsmedewerkers. En na die eerste bestending komen er nog een keer 2.000 seniorenburgers die in aanmerking ervoor kunnen komen. Maar al met al is voor wat er nu is, kan ongeveer maar 20% van die bevolking worden gevaccineerd in de eerste fase. Dus wanneer iedereen gevaccineerd wordt, is de schatting, of althans 80% van die bevolking, is de schatting dat het pas zal zijn in 2023. Dus wij gaan moeten leren leven met COVID en gaan we echt vanuit de regering zal een permanente oplossing moeten komen over hoe die samenleving wordt ingericht. Zeker voor minimaal de komende 2 jaar. Met de achtneming van het gegeven dat COVID er voorlopig nog zal zijn. Nou, een groep rijke landen, dat ongeveer 16% van de wereldbevolking vertegenwoordigt, zien we dat al 60% van de COVID-vaccins gekocht heeft. Dus COVAX die heeft het moeilijk, omdat de distributie toch niet op zo'n eerlijke wijze geschiet. En de WHO had al aan de bel getrokken dat we hier tegenaan kijken. Dat eigenlijk de landen met de meeste financiële middelen, die als eerst daar in aanmerking voor zullen komen. Vanwege het feit dat die vaccins geld kosten. Dus COVAX zal dat nader gaan moeten regelen om ervoor te zorgen dat er toch een eerlijke distributie plaatsvindt, maar we zien nu al dat daar geen sprake van is en dat de landen met het meeste financiële middelen dat die in aanmerking komen. Nou, internationaal COVID nieuws. Waar wij in Suriname nu in een totale lockdown zitten en de meeste van ons hebben onze vraagtekens van is het wel nodig, is het noodzakelijk, zien wij dat in Bolivia het de artsen zelf zijn die eisen dat het land teruggaat in een totale lockdown, omdat per dag er ongeveer 1 arts sterft aan COVID. Dus die hele gezondheidssector daar ligt gewoon op zijn gat. En ze zeggen als we zo doorgaan, dan is er daar dadelijk nauwelijks specialisten en artsen om de mensen te voorzien van gezondheidszorg. En daar zijn er ongeveer al 10.000 doden aan COVID. En de regering moet nog overwegen of die lockdown daar gaat komen, want het heeft een heleboel economische gevolgen zoals we weten. Goedemorgen, u bent live in de uitzending. Goedemorgen. Ik wil even terugkomen, als u het goed vindt, op de uitzending van vorige week over Israël. Ja, zeg dit maar. Ik vraag me af, als u van op de hoogte bent, dat heel veel van de Joden die nu in Israël professoren zijn en hele hoge posities bekleden, dankzij, en luistert u goed wat ik u ga zeggen, Suriname zover zijn gekomen. Ik weet niet, als u weet, wat voor rol Suriname tijdens de oorlog gespeeld heeft voor de Joden in heel Europa. En vooral in Nederland. Bent u daarvan op de hoogte? Dat heel wat van deze Joden die nu in Israël zitten, die in Nederland zitten, hun voorouders, door Suriname in het leven zijn gebleven. En dit vind ik, mag de jeugd van Suriname ook weten, wat voor belangrijkheid Nederland en Suriname gespeeld heeft voor de hele wereld wat de Joden betreft. Ja, okay. Ik zal u maar een voorbeeld geven. In Israël, in Amsterdam, is een deel van de Joodse begraafplaats gereserveerd voor alleen maar Joden die in Suriname geboren zijn. Dat in heel Nederland, als je als Jood in Suriname in Nederland aankomt, je direct geholpen wordt in een huis. Dat mijn eigen zuster nu in een huis woont van de Joden in Nederland, die nog nooit een cent heeft betaald.
dankzij wat Suriname voor de Joden gedaan heeft in Suriname en vooral in België. Ik vind dat ik u dit wel op de hoogte moet stellen. Dank u. Oké, fijn weekend. Ja, nou, heel interessant om dus te weten dat Suriname ook een bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling. Maar ik kan u zeggen, die financiële malaise waarin Israël zat eind jaren 80, jaren 90. Want wat u zei is van de Tweede Wereldoorlog. Maar daarna belandde Israël in een vreselijke crisis. Is te danken aan primair in de eerste plaats, echt aan het plan dat de regering toen had, het Josma-plan, waardoor die hele economie een shift en een transformatie gemaakt heeft, waardoor Israël nu op verschillende fronten een belangrijke speler is in die wereld. En ik denk dat wij als Surinamers het goed aan gaan doen als we onszelf nu ook gaan helpen om te komen uit die crisis. Maar hartelijk dank voor die mededeling. Goedemorgen, u bent live in de uitzending. Goedemorgen. Ja. Mevrouw Sarina, goedendag en alles goed? Ja, met mij gaat prima. Ja hoor. Ik wou alleen één ding vragen. Er is lockdown. En die pompgemalen zitten ook op lockdown, want Paramaribo Noord zit onder water. Huizen, straten, kippenhokken, alles zit onder water. Ik weet niet of die pompgemalen draaien of niet. Alles zit onder water. Dat is mijn vraag. Ja. Dank u. Ja. Ja, die pompgemalen zitten op lockdown. Nou, het is al een toestand. Jaren niet, iets van nu decennia, dat wij te kampen hebben met heel veel wateroverlast. Dus volgens mij hebben die lockdown al nog lang voor COVID en zal deze regering ook geconfronteerd worden met het probleem om de situatie van wateroverlast op te lossen. En inderdaad, het heeft vreselijk geregend de afgelopen dagen. Vandaag is het ook zo betrokken en heeft het ook geregend. Dus te verwachten is dat een heleboel straten onder water zullen zijn. Duitsland die heeft haar grenzen ook gesloten voor verschillende landen waar het variant van COVID in voorkomt, waaronder Engeland, Ierland, Portugal, Zuid-Afrika en Brazilië. Verder ook nog interessant om te weten is dat het derde COVID-vaccin is goedgekeurd door de Europese Unie. En dat is AstraZeneca en twee andere vaccins die zijn van Pfizer, BioNTech en Moderna die in elk geval zijn goedgekeurd door de EU. Er is ook een heel gevecht geweest met AstraZeneca omdat het aantal wat geproduceerd wordt aan vaccins veel minder is dan wat de EU verwacht had. En daar is er een hele toestand over ontstaan en het valt alleen maar te hopen dat die fabrikant afdoende gaat kunnen produceren voor de landen. Maar het is enorm veel wat geproduceerd moet worden aan vaccins. Nou, Frankrijk wil voorkomen dat ze nu in een derde lockdown gaan, want die hebben al twee lockdowns gehad. En om dat te kunnen voorkomen, zijn ook alle grenzen gesloten voor non-EU-landen. En tot slot voor internationaal COVID-nieuws zien we dat in Argentinië er een nieuwe belastingwet is ingevoerd. En dat geldt alleen voor hele rijke mensen. En dat zijn de mensen die assets hebben voor meer dan 200 miljoen pesos, oftewel 2,3 miljoen dollar. En die gaan een bepaald percentage daarvan aan belastingen moeten betalen. En dat geld gaat dan gebruikt worden door Argentinië om te zorgen voor het voorzien van COVID, dan wel medische medicamenten in de strijd tegen COVID. Goedemorgen, u bent in de uitzending. Goedemorgen meneer, mevrouw Serena met meneer Harold. Mijn rijbewijs vervalt in februari. Dag 21 of 12 februari. En ik bel steeds naar afdeling rijbewijzen. En dan zeggen ze, ik moet een ander nummer bellen. Dan krijg ik het nummer en het is buitenwerking. Ik heb zoveel keren gebeld, maar ik kreeg geen antwoord. Ik heb politieagenten zelf gevraagd wat ik moet doen, omdat ik een groot rijbewijs heb. En het vervalt volgende maand, of deze maand, februari. En ik krijg maar geen antwoord. De mensen die nieuw geslaagd zijn,
die hebben hun rijbewijzen niet. Maar ik heb mijn rijbewijs nu, maar het verbouwt. Maar ik weet niet wat ik moet doen. Ik weet niet als u een antwoord voor mij hebt hierop. Dank u wel. Ja, dank u. Ja, ik weet het ook niet uit het hoofd wat precies de procedure is die gevolgd moet worden wanneer het rijbewijs vervallen is, de aanvraag voor de verlenging daarvan. Maar als u belt er wordt niet opgenomen, zou ik u adviseren om naar de afdeling te gaan en daar persoonlijk te vragen wat de procedure is. En ik denk dat iemand op de afdeling, wanneer u daar persoonlijk bent, dat ze u hopelijk wel gaan kunnen helpen. Maar uit het hoofd weet ik het niet. Dus we gaan dat moeten uitzoeken en dan die volgende week daarover moeten informeren. Goedemorgen, u bent live in de uitzending. Ja, meester Asset, goedemorgen. Morning. Ik heb mensen opgesloten en allemaal noemen de naam van meneer Hoefdraad als hoofdverdachte. Stel, nu is meneer Hoefdraad spoorloos. Stel, meneer Hoefdraad is 20 jaar lang spoorloos. Blijven deze mensen aangehouden? Of is er een bepaalde limiet? Hey, mensen, jullie mogen naar huis gaan, we gaan zoeken. Weet je? U weet wat ik bedoel? Ik weet het. Want je gaat die mensen niet 20 jaar lang opsluiten, toch? Mm. Want iedereen noemt die naam van meneer Hoefdraad. Ja. Ja, toch? Mm. Graag uw antwoord. Dank u wel. Ja, de case van Hoefdraad, er zijn die een paar interessante strafzaken voorgegaan deze week en ik ga straks uitgebreid daarop in. Maar om concreet antwoord te geven op de vraag, de uitspraak is niet alleen afhankelijk van een enkele verklaring. De rechter gaat een beslissing moeten nemen aan de hand van alle bewijsmiddelen, alle feiten en omstandigheden zoals het blijkt uit het dossier. En de rechter gaat dan moeten toetsen of het ten laste gelegde feit bewezen is. Er zijn een aantal zaken waarvan de personen worden verdacht. Dan praten we dan onder andere over bijvoorbeeld Kromme Sutu. We hebben Van Trichter, dus ook Housiel. Die verdacht wordt in de case van de centrale bank. De naam van meneer Hoefdraad wordt er allemaal genoemd. De ene zegt van ja, ik heb de instructies opgevolgd van Hoefdraad. En wat de rechter dan gaat doen is gaan toetsen of uit het dossier blijkt dat inderdaad bewezen kan worden geacht dat de mensen zich schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten. Want los van de verklaringen die de verdachten zelf geven, want zij leggen uit van ja, Hoefdraad heeft me instructies gegeven, ik heb de instructies opgevolgd enzovoorts. Er zijn ook nog andere verklaringen hoor. Dat is slechts maar één van de zaken die genoemd is. Maar los daarvan zijn er ook nog een heleboel andere bewijsmiddelen. Zoals andere getuigenverklaringen, documenten. En dat gaat dan allemaal worden geanalyseerd. Ook de eigen waarneming van de rechter op de zitting. En dan gaat dan getoetst moeten worden. Of het ten laste gelegde feit is bewezen. En als de rechter komt tot een bewezen verklaring, dan gaat er een straf worden opgelegd en dan volgt er een veroordeling. Als de rechter tot de slotsom komt dat uit alle feiten en omstandigheden, uit alle bewijsmiddelen blijkt dat het niet bewezen is dat die verdachten zich aan die strafbare feiten hebben schuldig gemaakt, dan zal er vrijspraak moeten volgen. Dus het is niet zo dat zolang meneer Hoefdraad niet gevonden is, dat eigenlijk de mensen ingesloten blijven. Het is niet zo. De toetsing vindt gewoon plaats zoals het is voorgeschreven in ons wetboek van strafvordering. Nou, we hebben gezien de VES die haar statement heeft gegeven over het crisis- en herstelplan van de regering. We weten dat in het begin de VES, met in het begin bedoel ik dan, toen de regering pas aantrad, had de VES behoorlijk wat kritiek en wat mij betreft zeer terechte kritiek over de aanpak van de regering toen ten aanzien van die crisis waarin we zitten. Nu is het crisis- en herstelplan gepubliceerd en de VES heeft haar bevindingen gegeven en de VES zegt van we zijn bereid om natuurlijk de ondersteuning te verlenen, maar er zijn nog wat onduidelijkheden. Er zijn nog wat zaken dat aanpassing behoeft. Er zijn misschien wat overschattingen. En dat zal moeten worden gefine-tuned. Maar zegt de VES, wij zijn bereid om die ondersteuning te geven. En een van de zaken waar de VES ook aandacht voor vraagt, is dat echt zal moeten worden gewerkt aan het ondernemersklimaat. Als we bijvoorbeeld kijken naar de ease of doing business. Dat houdt eigenlijk in
hoe makkelijk het is om in Suriname zaken te doen. En daaraan kan je ook toetsen het ondernemersklimaat in Suriname. Dan zien wij dat Suriname is op die ranking op nummer 162 van de 190 landen. En Suriname is zelfs lager gerankt dan Ethiopië en Gambia. Dus we doen het echt behoorlijk slecht. En dan gaan we straks daarop verder in. Maar we gaan eerst de beller de gelegenheid geven. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Spreek maar de heer Voren. Ik wilde alleen maar aangeven. Hè? De regering praat over milieu. Wel mevrouw, ik loop in de stad. Weet je hoeveel gootjes en plassen ik zie? Boerwatra, longlong, almoes, tingies op. Ik zeg altijd, hè, waarom moet het zo zijn? Je praat over een milieuwetgeving in het parlement. Laat ze lopen in de stad, stinken. En die zei het ook toch, Surinamers zijn varkens. En ik ben het eens met die man. Overal pet. Ik kijk naar het fontein. En dat is lekker moor, zo bij die man op dag of zo. Ik bedoel, waarmee zijn we bezig? He, we dragen de naam dat we nette mensen zijn, maar op straat lopen, mevrouw. Je kan weg, teruggaan en terugkomen. Baka Timon 11, baka Toejari. Zijn hetzelfde dingen. Heilige weg. Dominee, Groenwatra, Tini Watra. En dan gaan deze mensen over het milieu met me praten, mevrouw. Wel, ik heb nog meer te vertellen, maar begin ze erop te attenderen dat het schoon milieu bij hun begint. Hè? Het begint bij hun. Maar de stank in de stad is niet te verdragen. En weet je wat erg gedaan is? Die mensen verkopen groenten. Naast die stinkende water zijn dat soort van dingen. En de stank. En alles, mevrouw, luister nou. Ik heb er gewoon genoeg van, hè. Dus kap dit aan de mensen, want ik ben ook klaar met die gasten, hè. Want als je mensen van de diploma, hè, benoemd, voor overheidswerk en dat soort van dingen, Bordeaux, hè, Brunswijk, de president, Bankrover, waarom is hij wel bezig? Vertel het me. Chan heeft recht, werd hij recht gestudeerd, toch? Gedraagt hij zich zo? Werd hij recht, heeft hij gestudeerd. Als hij dat deed, werd hij recht hoog gehouden. Had Bordeaux nooit zo'n baan gevonden. Beleidsadviseurs zijn andere mensen werkloos. Mensen die van de universiteit komen zijn werkloos. En iemand zonder diploma. Mevrouw, ik ga eerlijk zeggen, hè. Ik heb er schoon genoeg van. De meisjes er naar shing, shing, shing. Dat was mijn pleidooi. Alsjeblieft. Dank u. Nou, dat is kristalhelder. Velen, en ook ik, erg teleurgesteld in de benoemingen van de regering. Natuurlijk niet allemaal de goede niet te nagesproken, maar zeker in vooral kort na het aantreden van die regering, was dat niet naar huis te schrijven. Omdat alles staat en valt met leiderschap. En je gaat aan een bepaald profiel moeten voldoen. Je gaat een bepaalde deskundigheid moeten hebben, een bepaalde track record moeten hebben om functies te kunnen uitoefenen. Dus daaraan valt er niks aan toe te voegen. En de regering gaat daar echt aan moeten werken. En was er eigenlijk met die benoemingen, zeker toen in het begin, een behoorlijke deuk aan de geloofwaardigheid van die regering. Dat hersteld zal moeten worden. Dat gaat de regering echt zelf moeten doen om dat terug te kunnen winnen van die samenleving. En het beroep van de beller op de bevolking is terecht. Want wanneer je kijkt om je heen in de stad, het is gewoon vuil en vies. En dat gaat echt bij onszelf moeten beginnen. Wij zijn in de eerste plaats er verantwoordelijk voor dat onze omgeving netjes blijft. Ik bedoel, wanneer je thuis bent, gooi je toch geen dingen links en rechts en vuil. Althans, dat hoop ik. Dat niet gebeurt. Dus waarom moeten we dan ook zo omgaan met ons milieu? Dus dat is een meer dan terecht beroep van de beller op ons. Dat wij ervoor zorgen dat wij onze plaats innemen als goede burgers. Terugkomend op het ondernemersklimaat. Dat echt voor wat de ease of doing business betreft heel erg laag gerankt is. En die ranking die gegeven is aan ons is meer dan terecht. Want wanneer je kijkt naar wat zijn de randvoorwaarden waaraan een land moet voldoen om te kunnen praten van een goed ondernemingsklimaat, dan kan ik een paar aspecten opnoemen voor u. Dan laten we alvast praten bijvoorbeeld over hoe start je een business. Dat is, moeten we wel meegeven aan die vorige regering, regering Boutersen, die ervoor gezorgd heeft dat de start van een business, een oprichten van bijvoorbeeld een NV, dat het veel sneller gaat dan vroeger. Want vroeger duurde het heel erg lang. En tijdens de regering Boutersen is daar een verandering in gekomen. Maar het punt is niet alleen hoe start je een onderneming, want de opstart, dat is een fluitje van een cent. Maar de vraag is, in hoeverre
kan een ondernemer op een rendabele wijze in Suriname zijn business draaien wat efficiënt en effectief is? En dan zie je dat het behoorlijk moeilijk is. Als je kijkt bijvoorbeeld naar het verkrijgen van kapitaal en hoe dat allemaal nu eraan toe gaat voor een ondernemer om bijvoorbeeld aan zijn geld te komen bij de bank. Het is niet anders te noemen dan een verschrikking. Maar dat komt dan weer vanwege die valutaschaarste. Wanneer je kijkt naar bijvoorbeeld de operationele kant met de belastingen, hoe dat gaat met de belastingdienst die wij hebben. We hebben gezien ook dat er onlangs is er een solidariteitsheffing gekomen. Ook bij, dat is van 10%. Dat geldt voor mensen die een vermogen verdienen van, als ik me niet vergis, iets hoger dan 12.500 SRD. En dat zal dan ook gelden voor de mensen die een eenmanszaak runnen. En dan ga je behoorlijk moeten neertellen aan belastingen. Als je verder kijkt naar de randvoorwaarden om een goed ondernemersklimaat te kunnen scheppen, dan praten we over de overheidsinstituten. En dat is vaak een grote verschrikking. Hoe gaat het bijvoorbeeld eraan toe wanneer je als ondernemer goederen uit het buitenland moet importeren of jij je goederen wilt exporteren? Dan zit je met die tussenschakel van de douane. En er zijn al bedrijven die ik u kan zeggen, die zijn weggegaan uit Suriname alleen om dit ding, waarbij bij de opstart van het bedrijf wordt goed geïnformeerd hoeveel moet ik betalen aan de belastingen, wanneer ik die goederen importeer, wat zijn de heffingen. Dan komt er een x-bedrag. Dan wanneer die goederen hier zijn, dan is er plotseling een ander soort bedrag. En die ondernemers zeggen, wij zijn hier niet van gediend, ik ga weg. Want ik moet zekerheid hebben. En daarom had ik vorige week ook aangehaald, we hebben Asikuda-systemen ter geld bij de douane. Maar er zou moeten worden overgegaan naar een ander effectiever systeem. En dat is het SGS-systeem. En de regering gaat echt dat moeten aanpakken. Omdat de staat behoorlijk wat inkomsten misloopt bij de douane. Ook bijvoorbeeld het verkrijgen van een vergunning. Als je vaak genoeg geen lijn hebt of connectie hebt, krijg misschien de een die niet eens behoorlijk aan die voorwaarden voldoet eerdere vergunning dan de ander. Er is heel vaak sprake van willekeur, dat weten we. Het is niet iets nieuws. Toch, als je bijvoorbeeld kijkt naar het verkrijgen van domeingrond, er zijn bedrijven geweest met businessplannen en wat ze nodig hebben is een stuk grond en die mensen krijgen het gewoon niet, omdat de procedure niet volgens de wet wordt gevolgd. Goedemorgen, u bent in de uitzending. Goedemorgen mevrouw Serena, goedemorgen kijkers en luisteraars. Mevrouw Serena, kijk, men veroordeelt, men is bezig de ex-president te veroordelen, maar wat gebeurt er met die mededaders? Waarom worden die mededaders niet direct gevangen genomen? Of worden die mededaders ook samengenomen met die, wanneer men zo'n beetje de ex-president gaat arresteren? Is het zo dat men die mededaders direct gaan arresteren? Want je hoort niets van die mededaders. En met welk geval in de wereld is deze veroordeling van de ex-president te vergelijken? Of laat me het zo zeggen, is het te vergelijken met iets dat precies zo in de wereld al eerder gebeurd is, mevrouw Serena? Dat zijn mijn vragen en mijn opvattingen. Dank u. Ik ga straks die zaak van Boutersen en de overige strafzaken die er lopen behandelen. Dus als u even nog blijft kijken, dan ga ik het in alles meenemen met uw vraag ook daarbij in de beantwoording. Maar dan komen we nu voor dit moment terug op het ondernemersklimaat. We waren gebleven met hoe het gaat bijvoorbeeld van het verkrijgen van domeingrond. Onzekerheden die daarbij zijn als je dat moet bieden als collateral. Het is gewoon vaak minder interessant voor een schuldeiser om dat te kunnen aanvaarden als onderpand, zeker internationaal. Omdat grondhuur niet bekend is internationaal. Het is echt een Surinaams ding. En tenslotte, wat ook echt van belang is wanneer we praten over een goed ondernemersklimaat, is dat wanneer alles fout gaat, moet je recht kunnen vinden. En het rechtssysteem in Suriname, het duurt
zo lang. Wanneer je als zakenman een probleem hebt met betrekking tot het naleven van een contract, betalingen die moeten worden verricht, moet je kunnen weten dat als je naar de rechter gaat, je binnen een redelijke termijn, zoals artikel 10 van de grondwet bepaalt, je zaak afgehandeld wordt. Maar in Suriname duren zaken jaren en vaak genoeg tegen de tijd dat men uitgeprocedeerd is, is het de vraag of die persoon zelfs nog een belang heeft bij die zaak. En dat is echt iets waaraan wij gaan moeten werken. Willen we praten over een goed ondernemersklimaat om dus die investeerders aan te trekken. Goedemorgen, u bent live in de uitzending. Ja, goedemorgen, mevrouw Serena. Ik had toen te gebeld. Het ging over een huis. En ik kan die hoge notariskosten niet betalen. U zou voor me nagaan. We zijn twee senioren burgers, dus ik wil het zo gauw mogelijk doen. Mm. Ja, dank u. Ja, ik moet dat nog nader voor u checken, maar ik weet bijna zeker dat u die notariskosten zelf gaat moeten betalen. Tot zover mij bekend geen subsidie mogelijkheid daarvoor. Maar ik kom er zeker op terug bij de eerstvolgende uitzending. Dan ga ik u dan daarover informeren. Maar u moet zich erop voorbereiden dat u hoogstwaarschijnlijk die kosten zelf gaat moeten betalen. Yes. Dan, ik zei het vorige week al. Dat wij vaak in de veronderstelling zijn dat we in een eiland leven en niemand echt naar ons kijkt. Maar dat is niet waar. De wereld kijkt naar ons. De ogen zijn op ons gericht en we worden gevolgd op de voet met wat we doen. En dat is zo omdat we zijn in een proces van globalisatie. En in dat proces moeten we echt ons huiswerk maken. Willen gelden als speler op die internationale markt. En dan zien wij dat de wereld ons eigenlijk gewoon zaken voor ons uitrafelt. Wat we doen, hoe die financieringen van ons lopen, wie we zijn, wie zijn onze leiders voordat men overgaat tot het doen van zaken met ons hier in Suriname. Er is vorige week een heel interessant artikel verschenen. En dat is een artikel dat heet, we gaan zo meteen daarop in. We gaan eerst even de beller de gelegenheid geven. Goedemorgen, u bent live in de uitzending. Goedemorgen, mevrouw Selena. Goedemorgen. Het is namelijk zo, ik zit met de vraag van de minister van Financiën. Hij heeft bekendgemaakt mensen die in verband met COVID-19 werkloos zijn geworden, moet via internet aanmelden. Maar er zijn duizenden mensen die hebben geen internet. En vele mensen die weten niet om te gaan. Dus bij deze, minister Al-Ghaibertien, u hebt heel grote fout begaan. U moet mensen formulieren laten invullen. Mensen die hebben internet, die kunnen dat doen. Maar duizenden mensen hebben dat niet. Bijvoorbeeld de mensen die maaiers zijn of handlangers zijn, ze hebben het niet. Dus ik doe een beroep op de minister dat dit anders aangepakt wordt. En mevrouw Serena, mijn tweede vraag vanmorgen, vroeg hoorde ik op de radio dat de vice-president van Amerika, mevrouw Kamala, ter man werd genoemd gentleman. En in het Frans woordenboek wordt een woord meegenomen in verband met Kamala Harman. Ik weet het, misschien kunt u googlen en kijken, maar ik ken dat woord niet. Dat vind ik het heel fijn. Begrijpt u? En ik hoop dat u de eerste president van Suriname wordt. U, mevrouw SS. Fantastisch. Gaat u zomaar door. Ik ben een fan van u. Dank u. Een fijne uitzending. Dank u. Fijn weekend voor u. Ja, nou, ik heb die statement niet kunnen volgen die gemaakt is over Kamala Harris, der man. Maar tot nu toe alleen maar lovende woorden. Dus ik vermoed dat als het was, in elk geval een gentleman betekent, dat het gewoon echt een hele fijne man is die op een respectvolle wijze omgaat met mensen. En in deze in het bijzonder met zijn vrouw. En de wereld kijkt uit naar positieve verwachtingen
van onze eerste woman vice president in Amerika. En voor wat het andere betreft, inderdaad is het zo dat vele mensen geen internet hebben. Maar voor de mensen die het moeilijk hebben om de aanmeldingen te doen, dan adviseren om te vragen aan iemand in de buurt. De meeste mensen die appen wel, en als je appt dan heb je internet. Dus om dat zo eigenlijk onderling een beetje toch de hulp te vragen. Want heel veel mensen die zijn... Suriname is een van de landen waarvan de mensen het meest op Facebook zitten. Dus dat betekent dat vele mensen in de omgevingen wel internet hebben. Dus u kunt dan misschien vragen om hulp. Omdat als mensen massaal formulieren gaan invullen bij welk ministerie dan ook, dan loop je daar weer het gevaar dat er besmettingen kunnen komen. Dus het is, zo ik me voorstel, moeilijk ook voor de minister om die instructies te geven. Want je wilt overal beperken dat er te veel mensen bij elkaar komen. Dus voor de mensen die dat niet hebben om de registratie te doen, vraagt u binnen uw omgeving, waar iemand waarvan u weet, ze zitten ze vast wel op Facebook of op WhatsApp, dat ze u misschien assisteren. Want we gaan omusjepoeserevi in deze periode. Ja, dan gaan we terug naar het interessante artikel dat is verschenen over Suriname. En dat is gepubliceerd door Eurodat. En Eurodat is een organisatie waar ongeveer 25 Europese landen in zitten. En wat zij dan doen is zij analyseren de schulden van de schulden die landen dan maken. En hoe die financiële huishouding in elkaar zit. Met als een van de doelen om te gaan voor armoedebestrijding. En dat hebben ze Suriname daar helemaal ontrafeld. En het artikel heet Understanding the Dynamics of Suriname's Debt Crisis. En waarom ik het even wil behandelen met u, is om alleen te zien hoe de wereld naar Suriname kijkt. En dan is de eerste alinea van het artikel begint al zo interessant. En dan ga ik het voor u lezen. En het artikel begint met The Debt Crisis in Suriname is the story of an autocratic and corrupt regime and indebted by global finance throughout the last decade. Dus de afgelopen 10 jaar, het verhaal van ons, die financiële crisis is een van een corrupte regering. Dat zeggen ze, powerful commercial creditors, China and multilateral institutions stood to benefit from the debt of the country. En dan, dit is die toffe waar het komt. Waar ze schrijven, it was good business for everyone involved, except those in whose name they were being taken, the people of Suriname. En dan zeg je, ai, die mannen ontrafelen je gewoon, want ze zeggen, het was good business voor iedereen behalve voor het volk. Wat men gedaan heeft de afgelopen 10 jaar. En dat brengen ze eigenlijk die hele financiële crisis onder andere in verhouding met die Afobakadam. En daarom heet dat artikel ook Dam Debt. Dus de schuld vanuit die dam. En dan hebben ze aangegeven daar dat Suriname in november 2020 vorig jaar samen met Zambia het tweede land is dat beland is in een default status. U weet dat we onze credit rating, dat gaat over de kredietwaardigheid van landen, dat wordt beoordeeld door kredietbeoordelaars zoals Standard & Poor's, Fitch en Moody's. En dat wij een enorme verlaging hebben totdat we in default balans zijn. En dat betekent eigenlijk dat je niet kredietwaardig bent. Voor broken empty money. Als geld aan je wordt geleend, ga je me hoogstwaarschijnlijk niet terug kunnen betalen. Dus dat men eigenlijk geen zaken met je wil doen als natie. Dat is waar het op neerkomt. En Suriname kan daardoor geen leningen sluiten via de normale instituten, omdat onze kredietwaardigheid gewoon zo laag is. En dan grijpen die mannen dan terug om te gaan naar van hoe is het allemaal ontstaan. En dan zien ze dat bijvoorbeeld het sluiten van de mijn in 1999 van Alcoa geleid heeft tot enorme vermindering van die aluminium export van 31,5% toen
tot naar 3,7% tussen 1995 en 2015. En dat zeggen ze, eigenlijk om dit een beetje op te vangen, is Suriname enorm gaan concentreren met haar economie. Dat gaan bestaan is primair op goud en olie. En in 2015 vertegenwoordigde de export daarvan respectievelijk, dus voor goud 54% en voor olie 14%. En wat we dan niet moeten onderschatten is de gevolgen toen die er waren met de drop van die goud- en olieprijzen. En die mannen gaan zover dat ze zeggen in die periode, wie was in charge? Dan zeggen ze dan, Boutersen was toen in charge. En dan halen ze gewoon zijn cv erbij, Lancome cv uit de lade. En dan gaan ze dan, wie is de leider? Dat is een leider, het volk heeft gekozen voor een leider waarvan hij thans veroordeeld is voor 20 jaren wegens medeplichtigheid aan moord en ook een veroordeling van 11 jaren in Nederland voor drugstransport. En dan gaan ze verder door te omschrijven de slechte beslissingen die genomen zijn door die regering toen. En dan noemen ze dat ding gewoon een borrowing spree. En Kobroek en Wenchimoni bijna Assangeers van leenverslaving toen vanaf 2016. En die berg aan schulden is gegroeid dat het bijna niet te managen is. En dan hebben ze ook dan gekeken naar hoe het staat met die Oppenheimer leningen die gesloten zijn voor respectievelijk 550 miljoen tegen een rente van 9,25%. En dan pakken ze dan ook erbij en dan gaat dan die dam debt daar. Die lening die genomen is in verband met de beëindiging van die Brokkeponde overeenkomst bij Oppenheimer voor $125 miljoen. En dan zeggen ze, een van de afsluitende alinea's over die dam, zeggen ze dan, en dan ga ik het ook voor u lezen, ze zeggen, het was zo evident dat er zoveel risico's verbonden waren aan die leningen die zijn aangegaan. En dan schrijven ze, neither Boutersen nor the investors were troubled by any of this. Dus in feite, het was duidelijk dat Akondre Bekoe een probleem, maar nou maar bespang. En toen dus de goedkeuring is gegeven door het parlement voor de beëindiging van die Brokkeponde overeenkomst, schreven ze daarover, this was a moment charged with historical connotations for the people of the country. En toen die goedkeuring werd gegeven, meanwhile, COVID en koekekong om eigenlijk ons te brengen in de volgende economische malaise. Maar om het ding goed te begrijpen van die dam, want wij moeten nu de rekening betalen voor die lening die is genomen, is het goed om de achtergrond daarvan te begrijpen. Want vroeger werd er altijd gezegd dat bauxiet de kurk is waarop de economie van Suriname drijft. Maar door al die toestanden die zijn gebeurd, al die negatieve ontwikkelingen, dan lijkt het bijna alsof bauxiet het dieptepunt geworden is waarop de economie van Suriname drijft met die lening die we nu in dat kader hebben genomen. En er is op enig moment de Alcoa, die was er. Ze zijn gestart in 1916. Die Brokkeponde overeenkomst is toen gesloten in 1958. En toen hebben we bepaalde ontwikkelingen gezien waarbij ze uiteindelijk hebben gezegd, we willen weg. We willen uit Suriname. En in dat kader is in 2015 een MOU eerst gesloten met de Alcoa. En toen was die MOU kamerbreed door het parlement afgewezen. En een van de redenen toen was dat die dam pas in 2019 zou worden overgedragen aan Suriname. En waarom vond men dat een probleem? Omdat in die tussenperiode, wij de Alcoa enorm veel geld zouden moeten betalen voor stroom die we afnamen van de Alcoa. En hoe ze dat in elkaar? Suriname zou eigenlijk die win-win situatie voor Suriname zat het er maar in, dat wij dus belastingafdrachten moesten krijgen van de Alcoa. Maar het aandeel van de bauxietexploratie is
vanaf 2000 gedaald van 9% naar ongeveer minder dan 1% in Suriname. En de export is verminderd van 70% naar 18%. En de alleenaarde draagt maar voor onder andere 1,5% droeg het bij voor de staatsinkomsten. Dus het ging zo slecht met eigenlijk die bauxietindustrie op enig moment. En wat gebeurde er? Er vond een verrekening plaats. De Alcoa verkocht stroom aan Suriname. Aan de andere kant, Suriname moest de Alcoa daarvoor betalen. En Alcoa moest Suriname vervolgens betalen die belastingafdrachten. Maar het was zo gedropt dat Suriname meer moest betalen aan de Alcoa voor stroom. En het was zoveel dat er betalingsachterstanden zijn gaan ontstaan. En wat maakte dat ding zo lastig? Dan is het eigenlijk de vraag, waarom is er überhaupt een dam? Voor die bauxietexploitatie, dat gebruikt heel veel energie. En goedkoopste was toen om die energie op te wekken met water. Maar wat hebben die mannen toen op enig moment gedaan in 1999, is dat die prijs voor om dus die energieopwekking te kopen, die stroom, is vastgesteld alsof het wordt opgewekt niet met water, maar met olie. En toen die olieprijs is gaan stijgen, is die prijs ook gaan stijgen, maar eigenlijk wordt dat ding opgewekt met water. Dus er was dus een enorme issue met die prijs en dat maakte dat de kosten ongeveer 15 maal hoger was. En dat is berekend door energiedeskundigen. In elk geval, in 2015 was toen die MOU, toen er zoveel tamtam gemaakt werd over die MOU wat terecht was, had toen de president aangegeven dat dat ding is ingetrokken. Dus iedereen dacht, oké, die MOU is van tafel en niet meer van kracht. Plotseling, 2 jaren later in 2017, bleek dat die regering gewoon in alle stilte, terwijl wij dachten die MOU is ingetrokken, bleek dat die regering gewoon door bezig was te onderhandelen met de Alcoa op basis van die MOU en bleek dus dat die MOU bijna gerezen was uit de dood. En dat veroorzaakte toen een hele commotie. En ik kan me nog heel goed herinneren dat op enig moment kwam een van de politici van de oppositie toen en die zei, ik ben geschokt over het feit dat die MOU weer op tafel is. Hadden ze toen de minister van NH geïnterviewd. Ja, minister, dat ding was ingetrokken. En hoe komt het dat het weer op tafel is? Nou, ik ben geschokt over het feit dat die mensen geschokt zijn. En ik keek ernaar en ik dacht, wat een shock. Want het was gewoon verschrikkelijk. En toen was er sprake van een vertrouwenscrisis in het parlement. Allerlei dingen. Maar waar het erop neerkwam was, onder welke voorwaarden gaat die overeenkomst, die Brokopondo overeenkomst, worden beëindigd. Velen zaten met de voorvraag, moet het überhaupt worden beëindigd? Maar de regering had het standpunt al ingenomen, we gaan richting die beëindiging, maar dan onder welke voorwaarden? En dat is waar de discussies zijn gaan ontstaan en dat is ook wat wordt meegenomen in dat artikel. Want wanneer de Alcoa degene is die overeenkomst opzegt, als jij die overeenkomst opzegt terwijl we nog te gaan hebben tot 2033 met die overeenkomst, dan gaan we het doen onder voorwaarden die aanvaardbaar zijn voor beide partijen. Daar zijn die vraagtekens ook gaan rijzen over die onderhandelingscommissie. Hoe zijn die onderhandelingen gevoerd waarbij wij nu toch nog gewoon het volledige moeten betalen aan de Alcoa, terwijl eigenlijk onderhandeld had moeten worden. Want wanneer jij degene bent die een overeenkomst opzegt, zou je eigenlijk daarvoor schadeplichtig moeten zijn. En dan kan je gewoon gaan praten over de schade die je leidt. Waaronder de afdrachten van de stroombetalingen die moesten plaatsvinden. Dus, kortom, de onderhandelingen voor wat mij betreft baarslecht gevoerd. En de kritiek dat geuit is hierop meer dan terecht. En nu zijn wij als volk die de prijs moeten gaan betalen hiervoor. Omdat we nu zitten met die 125 miljoen Oppenheimer lening die we moeten gaan betalen. We zitten nu in een standstill die de regering is overeengekomen. Omdat we simpelweg het geld gewoon nu niet kunnen ophoesten. Dus we zullen moeten gaan kijken wat die regering gaat doen. Wanneer die grace period die is gegeven voor nu een korte tijd. Of we dan in staat zullen zijn om die betalingen te gaan verrichten.
Nou, het is nu 1 over 11, dus we gaan over tot een korte break en zijn we straks bij u terug met meer van Kul Aaj or Kul. नमस्कार और आदाब. आज शनिचर है, जनवरी के 30 तारीख 30 जनवरी. पेश है आपके लिए 7 दिन की खबरें. वोल्क्सवैगन ने सूरीनाम देश में यह ऐलान किए है कि पहला हिस्सा में 139,000 लोगों का वैक्सीन दी जाएगी. इन लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा. तो यह सूरीनाम देश में कोविड 19 के बाद हम करते हैं. एक फंड्स का लोग इंतज़ाम करेंगे, मतलब पैसा का लोग बंदोबस्त करेंगे और इसके वास्ते लोग ड्राइव्स लाइफ इनके साथ बातचीत किए हैं, यह पैसा एकत्र करने के लिए या वैक्सीन्स खरीदने के वास्ते. बच्चे जिनके उम्र 18 साल से नीचे हैं उन लोगों को ये वैक्सीनेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये फाइजर वैक्सीन जो है ये इन लोगों के लिए अभी तक खुद क्योर नहीं हुआ है. ड्राइव की तरफ से इन लोगों के लिए अभी खुद क्योरिंग रसामंदी नहीं दिया गया है. जिन लोगों को यह वैक्सीन सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, सबसे पहले इन लोगों को वैक्सीनेट की जाएगी. ऐसे मिनिस्टर अमर रामाधीन फोल्क्सवैगन का बताई है. हम बात करते हैं एर्स्ट लिनी पर्सोनन का, जो लोग फोल्क्सवैगन सेक्टर में काम करते हैं. सबसे अहम लोग जो है, जो लोग कोविड से जुड़े काम करते हैं, इन लोगों को सबसे पहला ये वैक्सीन दी जाएगी. वैसे उसके बाद हम बात करते हैं ये फर्स्ट लिनी पर्सोन जो है इन लोगों के बात हम करते हैं. तो 1300 से लेकर 1500 फोल्क्सवैगन वर्कर्स के बात हम करते हैं, या जो लोग फोल्क्सवैगन सेक्टर में काम करते हैं. उसके बाद लगभग 2000 लोगों को ये वैक्सीन दी जाएगी, जो लोग बयार्दत हाउसिंग में रहते हैं, फोल्क्सवैगन वर्कर्स द लिनी का, और साथ में भी जो लोग खास काम करते हैं सूरीनाम देश के वास्ते, नेशनल वेलफेयर, इस देश के सुरक्षा के वास्ते काम करते हैं, रेगेरिंग के लोग, पुलिस के लोग, अंडरवाइजर्स, और जिन लोगों के उम्र 60 साल से ऊँचा है, जिन लोगों को डायबिटीज है, लॉन्ग सिक्टन, हिपरटेंसी और कंकर पेशेंटन जो है, और साथ में इंगी लोग, इनहेम्सन, इन लोगों को उसके बाद तो ये वैक्सीन दी जाएगी. लेकिन ये भी बताया गया है कि ये वैक्सीन जो है ये देश भर में सभी को, हर एक को नहीं दिया जा सकता. ऐसा कोई देश में नहीं हुआ है कि एक ही दम सभी लोगों को ये वैक्सीन दिया गया है. यह फास इसमें होगा. और अब तक के ये खबर से पता चला है कि हो सकता है कि लगभग 2023 में शायद सूरीनाम देश में सभी लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा, या सब लोग वैक्सीनेट हो जाएगा सूरीनाम देश में. जो खबर इस हफ्ता हर एक को थोड़ा से डरा दिया है, लोग इससे काफ़ी हैरान हुए थे, वो ये है कि प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी, सूरीनाम देश का प्रेसिडेंट, सूरीनाम देश का राष्ट्रपति जो है, ये भी पॉजिटिव टेस्ट हुआ है ये कोविड-19 से, मतलब इनको भी ये वायरस हुआ है. प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो है ये बताइए कि इनको कोई सिक्त फर्शाइंसलन नहीं है, या बीमार नहीं है, लेकिन पॉजिटिव तो टेस्ट हुआ है, इसलिए इनको इनके डॉक्टर के राय पर घर पर रहना है, इसोलासी में रहना है, क्वारंटाइन में रहना है. और ऐसा उन्होंने किया अपने घर पर लेली दौर पर, जहाँ पर सभी बंदोबस्त किया गया था. लेकिन जो काम जो है सरकार का, ये इसमें रुकावट नहीं आई है, सरकार के काम में कोई रुकावट नहीं आई है, यह जारी हुआ है फर्चुअल कम्युनिकेशन के साथ. ऑनलाइन सूम मीटिंग से भी लोगों के साथ बातचीत हुआ है, फरहादरिंग जारी किया गया है, और काम भी जारी हुआ है. इसका मतलब यह है कि देश का बागडोर जो है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के हवाले नहीं किए है, क्योंकि इनके लिए पूरा तौर से मुमकिन था अपना काम जारी करने के वास्ते. प्रेसिडेंट के साथ साथ लोग ये सोच रहे थे शायद फर्स्ट लेडी भी पॉजिटिव टेस्ट होंगे, लेकिन खुशी की बात ये है कि फर्स्ट लेडी मेलिसा संतोखी जो है ये नेगेटिव टेस्ट हुआ है, इनका टेस्ट भी लिया जा चुका है.
President, ek video boodschap, ja ek audio boodschap mee, ek audio boodschap, matlab ek record kiya hua sandesh jo hai, ye awaaz apna usme dalkar logo se bataye hai ki wo bilkul theek hai, wo ghar se apna kaam kar rahe hai. Bahut se log jo inhe bahut se shubhkamnaye diye ki wo jald hi ठीक हो जाए और तंदुरुस्त हो जाए. जो लोग इनके घर पर सामान भेजे हैं, जैसे ताज़ा सब्ज़ी और फल और फूल भी इनके घर पर भेजा गया है. जो लोग इनके लिए दुआएं किए हैं, दुआ किए हैं, इनके लिए प्रार्थना किए हैं, सभी को ये ऑडियो का जो संदेश था, ये फ्रैगमेंट था, इसमें लोगों को शुक्रिया धन्यवाद किए है. वैसे ये भी कहा गया था कि सभी मिनिस्टर जो है 3 दिन तक इन लोगों को घर से काम करना है, जब तक इन लोगों का नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट नहीं आ जाएगा. सभी मिनिस्टर्स को जाकर स्वाब करना था या टेस्ट करना था. और खुशी की बात ये हम आपको भी बता दें कि सभी मिनिस्टर जो है सभी नेगेटिव टेस्ट हुए हैं, मतलब किसी को भी ये कोरोना वायरस नहीं है. गजोंथेट सोरख के बारे में कोविड से जुड़े जब हम बात करते हैं तो मिनिस्टर अमर रामाधीन ये कहे हैं, जनता से गुजारिश किए हैं कि आप लोग जो अस्पताल पर इस वक्त दबाव है, इतना ज़्यादा काम है, जगह नहीं है, तो लोगों से गुजारिश करते हैं कि इस पर आप ज़रूर गौर कीजिए और आप और ज़्यादा दबाव मत डालिए. गजोंथेट सोरख पर यह पुकार किया गया है. अकादेमी सिकन हाउस परमार वो सबसे अहम हॉस्पिटल है. इस वक्त वहाँ पर कुछ लोग भी बसमत है, पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं. और हम बात करते हैं ओपरासी कामर में जो लोग काम करते हैं, ओका में जो लोग काम करते हैं, तो ओपरासी कामर जो है ये सिर्फ स्पुत खफालन के लिए इस वक्त खुला है, मतलब सिर्फ स्पुत ओपरासिस होता है. रेगुलर ओपरासिस जो है ये सब टाल दिया गया है, इसमें रुकावट आई है, इस वक्त नहीं होता है. सिर्फ अगर स्पुत खफाल है तब ओपरासी होता है. जनता को पुकार किया गया है ख़ासतौर पर काफ़ी सावधान परखने के लिए. आप यातायात में भी सावधानी से हिफाजत के साथ हिस्सा लीजिए ताकि कोई फरकेश और खफा कोई हादसा ना हो और आपको स्मूत एस इन द हुलप नहीं जाना पड़े, क्योंकि वहाँ पर भी काफ़ी लोगों को काम करना है, वहाँ पर भी काफ़ी भीड़ रहता है. आप स्मूत एस इन द हुलप है, इससे कोशिश करें ज़्यादा हद तक दूर रहने के वास्ते. इसलिए हाउस आर्टिसन को पुकार किया गया है, जितना हो सके आप अपने पशंतन का मदद कीजिए ताकि पशंतन आपके पास आ सके. इन लोगों का इलाज आप कीजिए कि इन लोगों को स्पुत ऐसन दुलप नहीं जाना पड़े. और सिकन हाउसन जो है हम आपको बता चुके हैं, मिनिस्टर के इस पर काफ़ी दबाव है, तो यहाँ पर भी लोगों को और ज़्यादा जो खसौन था इस वर्कर्स हैं, इन लोगों को और ज़्यादा तकलीफ़ न देने के लिए आपसे कहा जाता है सावधानी पर रखने को और आप हिफाजत के साथ रहिए. ये 2 वीकेंड लॉकडाउन जो है, क्योंकि इस वक्त सूरीनाम देश एक लॉकडाउन में है, ये वीकेंड भर का लॉकडाउन है, तो ये बहुत ज़रूरी है सोरख पर्सोनल जो है इन लोगों को ज़रा आराम देने के वास्ते. और इस वक्त मिनिस्टर ये भी बताए कि सूरीनाम देश में कोद रोथ है. कोद रोथ का मतलब ये है कि ज़्यादातर पर यह वायरस जो है फैलता है अगर ज़्यादा लोग एकत्र होते हैं एक जगह पर. तो नया मातृखलन जो इस वक्त के लिए है, सामस होलिंग्स फॉर बॉथ जो है 5 पर्सन 5 लोगों से ज़्यादा एक साथ एक जगह पर होना ये नहीं होना चाहिए, मतलब मना है. आगे में मातृखलन जो लिया गया है यह है 27 जनवरी से लेकर फरवरी के 9 तारीख तक. फरवरी के 9 तारीख 9 फरवरी तक यह मातृखलन है. अर्थांश फरबॉट जो है यह है बुध 27 जनवरी से लेकर फरवरी के 9 तारीख तक. और यह है सोमवार से शुक्र तक रात को 7 बजे से सुबह 5 बजे तक. अर्थांश फरबॉट है, आफन क्लॉक है, बाहर जाना बिल्कुल मना है. शुक्र 29 जनवरी से लेकर फरवरी के 1 तारीख तक. शुक्र 29 तारीख 29 जनवरी रात 7 बजे से सोमवार फरवरी के 1 तारीख सुबह 5 बजे तक एक टोटल लॉकडाउन है. और अगला वीकेंड शुक्र फरवरी के 5 तारीख शाम को 7 बजे से सोमवार फरवरी के 8 तारीख सुबह
5 बजे तक भी टोटल लॉकडाउन है। तो मतलब ये है सिर्फ ज़रूरी अगर है तो आप बाहर निकल सकते हैं, और इसके लिए आपके पास इजाज़त पत्र होना चाहिए, आपके पास एक डिस्पेंसेशन ब्रीफ डिस्पेंसेशन बवेज होना चाहिए। वैसे आपको ये हम बता दें, मात्र एक लंच जो लिया गया है सामस होलिंग का हम बता चुके हैं, 5 लोगों का से ज़्यादा लोग एकत्र नहीं हो सकते हैं। जश्न करना बिल्कुल मना है, हाउस फेसन घर पर भी जश्न करना बिल्कुल मना है, कोई ऐसे डिस्पेंसेशन किसी को भी नहीं दी जाएगी। रॉ सेटिंग जो है, अगर किसी के वफात या मृत्यु हो गई है वहाँ पर बैठक के लिए आप जाएंगे, या अर्थवात है किसी के अंत्येष्टि क्रिया में आप जाना चाहते हैं, रिलीजियस बाय इनकम्स देन वहाँ पर सिर्फ 10 लोग जा सकते हैं। मतलब ये होगा कि अगर 10 लोग वहाँ पर हो सकते हैं तो बाकी के लोगों को वहाँ पर जाना है। अगर एक जैसे कि एक मृत्यु किसी के हुआ है अफसकैत लेने के लिए, तो आप वहाँ पर जाइए और वहाँ पर अफसकैत लेकर आपको वापस जाना है, औरों को मौका देना है कि वो सो लोग भी जाकर ये ऐसा कर सके, और साथ में सभी COVID-19 मात्र एकलन पर गौर करना ज़रूरी है। स्पोर्ट एक्टिविटीज़ जो है, इंक्लूसिव कॉन्टैक्ट स्पोर्टन बिल्कुल मना है, इंडिविजुअल स्पोर्ट एक्टिविटीज़ अकेले में जो आप करना चाहते हैं अपने घर पर ये हो सकता है। परसोना फॉर 4 ओपन बार ट्रांसपोर्ट का जो प्रोटोकॉल है इस पर आपको गौर करना है, और कोविड मात्र एकलन पर भी आपको गौर करना चाहिए। वैसे पीरियड सेफ 20 जनवरी से लेकर 9 फरवरी तक भी सभी जो ओपन बार लोकालिटीज़ कॉमर्शियल लोकालिटीज़ जो है ये सब बंद है। जैसे रेस्टोरेंट्स जो है ये सिर्फ खाना तैयार कर सकते हैं, अफाल के वास्ते खोला है और लेफरिंग के वास्ते खोला है, बस और सर्विस अगर है तो इस पर इसके साथ लोग काम कर सकते हैं। और अफाल सिर्फ रात 7 बजे तक है और लेफरिंग रात 10 बजे तक। नाइट क्लब्स, डांसिंग्स, डिस्कोटेक इत्यादि, बॉर्डेलन, बार्स, रिक्रियाटी ओर्डन, कैसीनोस, गोक एंड वरमाकलिकहेड्सगेलेगनहेडन, कंसपेलकंटोरन, स्पोर्ट्सस्कूलन, योगा, डांसस्कूलन, एरोबिक, सुम्बा, स्पोर्ट एंड फिटनेस सेंटर सभी बंद है। और कॉन्टैक्ट बरूपन जो है जैसे कपर्स, कप सलोन्स, बार्बर शॉप्स ये सभी बंद रहेगा, ये बंद रहेगा। और सिर्फ मेदी सबरूपन जो है कॉन्टैक्ट जिससे आप लोगों से मिलना चाहिए, मेदी सबरूपन के लिए इजाज़त लोगों को है। वैसे सीमा के बारे में, सुरिनाम देश के लॉन्स क्रेंसन जो है यहाँ पर पहरा लोग और पढ़ा दिए हैं और कड़ी नज़र डाला जाएगा। यह लॉन्स क्रेंसन पहले से बंद था लेकिन अब और इस पर गौर किया जाएगा, क्योंकि यह भी कहा गया है कि एक फरियांग जो ब्राज़ीलिया में है बहुत ही ख़तरनाक है ये COVID-19 का, यह आसानी से सुरिनाम देश में आ सकता है अगर ख्रेंसन जो है ये खुला रहेगा। तो पर्सोन फरकेर के वास्ते ब्राज़ीलिया और खुयाना का ख्रेंसन बंद है। सिर्फ रेपात्रियांतन जो है, जो लोग कारंटैन मात्र इंग्लैंड पर गौर किए हैं, ये सब वापस अपना देश आ सकते हैं या जा सकते हैं। आकाश के जरिए जो है फ्लुख्त फरकेर जो है ये भी बंद है, सिर्फ एसेंशियल पर्सोन फरकेर जो है ये खुला है। और कारखों के वास्ते जो लुफ्त फरकेर है खुला है, अगर फरसोन फरकेर जो है एसेंशियल फरसोन फरकेर अगर प्रोटोकॉलन और फॉरवर्डन पर आप गौर करेंगे तो आपको इजाज़त मिलेगा इस देश में आने के वास्ते। सुरिनाम के सरकार की तरफ से जो लोग सुरिनाम देश आना चाहते हैं इन लोगों को ये साबित करना है कि ये ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है यहाँ पर आने के लिए, और सफ़र के अहमियत मतलब आपको बताना चाहिए। बहुतलान से फ्लुख्तन जो है ये सिर्फ कारखो के वास्ते है, रेपात्रियासी के लिए और यात्रियों के लिए है जो अपने सेहत के लिए खसौन थे रेदनिन के लिए इन लोगों को सफ़र करना है। जो लोग कारंटेन में इसोलासी में उन लोगों को घर पर रहना चाहिए, घर पर ही रहना चाहिए, बाहर आना बिल्कुल मना है, अपने घर से बाहर आना मना है। ओवरहेड्स कंतोरन जो है स्कूल इत्यादि ये सब बंद रहेगा फरवरी के 9 तारीख तक। एसेंशियल दिनसन जो है ओवरहेड का ये सब अपना काम जारी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए इन लोगों को भी इजाज़त के ज़रूरी है। और सभी जो बदरायफन इत्यादि इन लोगों से कहा गया है काम अपना घर से करने के लिए, और अगर फरहादर करना है तो ऑनलाइन जूम के ज़रिए आप फरहादर कर सकते हैं। यह भी लागू है हो कॉलेज संस्थात के लिए, सरकार के लिए और देना पंचघर के वास्ते।
मॉन्ट कापियस वर्क प्लेक पर जहां पर आप काम करते हैं ये बिल्कुल फरप्लेख थे कंतोर बदरायफ्रम थे सिकन हाउसन में फरप्लेख थे और इस पर भी नज़र रहेगा और अगर आप बदरायफ में है कहीं भीतर दफ्तर में है और मॉन्ट काप नहीं पहरे हुए हैं तो इसके लिए आपको भी बूट मिल सकता है। हर एक जो शराब इस्तेमाल करते हैं ओपन बार में आप दुकान के आगे लोग खड़े होकर शराब को इस्तेमाल करते हैं ये अब बंद किया गया है, इस पर रुकावट डाला गया है, यह बिल्कुल मना है तो इस पर ज़रूर आपको गौर करना है। ये सुपरमार्क जो है इन लोगों को इस पर भी गौर करना है। सुपरमार्क तन से ये भी कहा गया है कि एक घर से सिर्फ एक व्यक्ति एक शख्स जो है ये सुपरमार्क में जा सकते हैं ख़रीदारी करने के वास्ते, इस पर नज़र डालने के लिए यह सुपरमार्केट हाउसर्स की जिम्मेवारी है। और भी हम आपको बता दें स्कूल तो बंद रहेगा ये हम आपको बता चुके हैं और बाज़ार जो है ये वेगदाहन में बीच हफ्ता में खुला रहेगा लेकिन वीकेंड्स में ये सब बंद रहेगा। बाज़ार से ये हम आपको बताना चाहते हैं कि पिछले एतवार को क्वाटा मार्ग जो है दर्द रे वह का सोमदास मार्ग जो है ये पुलिस के ज़रिए बंद किया गया है। ये है देसी वानी का नॉर्थ वेस्ट सुरक्षा हीरा सिंह के कहने पर क्योंकि वहाँ पर काफ़ी भीड़ था और कोविड प्रोटोकॉल पर गौर नहीं किया गया था तो यह बाज़ार बंद किया गया है। इसके बारे में लोग देख रहे हैं कैसे बाज़ार फिर खोला जाएगा जनता के वास्ते ताकि लोग अपना सामान बेच सके और जनता अपना सामान खरीद सके। मिनिस्टर केनेथ अमुक्सी ये जो यूस्टिसी एंड पॉलिसी का मिनिस्टर है प्रेस कॉन्फ्रेंसी पर बताए हैं कि बूटस जो है ये भी बढ़ा दिया गया है और ऊंचा हुआ है। जो लोग कोविड मातरेखलन पर गौर नहीं करते इन लोगों को ये जो बूट है जुर्माना है इन लोगों को भरना पड़ेगा। जो लोग तो भी हाउस फेस्टन करते या जश्न करते हैं इन लोगों को एक बूटा भरना पड़ेगा 5000 SRD का, 5000 SRD का बूटा आपको मिलेगा। हंग योंगरन जो है हम बता चुके हैं दुकान के आगे जो है शराब पीते हैं इन लोगों पर भी कड़ी नज़र है तो आप मत करिए ये आप मत कीजिए। और जो फ्रेम डलेंगन है विदेशी लोग जो सूरीनाम देश में आते हैं इन लोगों के पास सभी कागजात नहीं है सूरीनाम देश में आने के लिए इलखाल लोग यहाँ पर आते हैं इन लोगों पर भी कदम उठाया जाएगा, आपको देश से बाहर किया जाएगा या आपको हिरासत में लिया जाएगा। कंट्रोल ब्रोखन पर जो है सभी पुल सूरीनाम देश में यहाँ कंट्रोल और भी बढ़ाया जाएगा और पुलिस ने यह बताया है कि रोड ब्लॉक्स किया जाएगा रात में 7 बजे से रोजाना और ज्यादा रोड ब्लॉक्स रहेगा। पुलिस के मदद के वास्ते कॉर्प्स पेनिटेंशियर अमतनारन भी इन लोगों से मदद लिए हैं, साथ में इन लोगों को मदद देते हैं डिफेंसी के लोग बस्तूरदीन्स बेओखे अरबेट्स इंस्पेक्सी और ये सब है कोविड 19 ब्रिगाड का जो तैयार किया गया है ये देखने के लिए कि सभी कोविड प्रोटोकॉल जो है रेहल्स जो है जो नियम बनाया गया है इस पर हर एक गौर करता है। आपको आपसे तो भी गुजारिश किया जाता है कि आप इन तमाम जो रेहल्स है प्रोटोकॉल है इस पर गौर करें ताकि यह वायरस जो है फैलने से रोका जा सकता है। कोविड टेलर इस वक्त सूरीनाम देश में 154 पर है। इस वक्त जब हम आपसे बात करते हैं तो कोविड टेलर 154 पर है और अफसोस की बात यह है कि इस साल इस नए साल 2021 इस जनवरी महीना में अब तक के लिए 33 लोगों का देहांत हो चुका है ये कोविड 19 वायरस से। एक जबरदस्त हादसा हुआ है रिंग वे पर यह बीफे को हादसा हुआ है 4 गाड़ी से एक फेलनेस वाहन था एक पर्सोन ऑटो एक पिकअप और एक ट्रक। इस हादसा में 46 साल का आनंद कुमार भक्कू का देहांत हो गया है। ये ट्रक बस्तूर जो फरोर शाकर था इनका रेब वेस पुलिस ले लिए है। बाकी के 3 बस्तूर जो थे इन लोगों के पास एक हेल्थ रेब वेस था, नशे के हालात में लोग नहीं थे लेकिन अफसोस की बात यह है कि यह ससम फेर तखियार का आनंद कुमार भक्कू ये बुरी तरह से घायल हुए थे। इनके दोनों पैर जो है इस तरह से वो घायल हुए हैं कि इनका देहांत हॉस्पिटल ले जाते वक्त हो गया है। अफसोस के बाद ज़रूर है लाश जो है पुलिस कब्जे में ले लिए है ऑब्डक्सी के वास्ते सेक्सी के वास्ते। शोल सटनी लुख्त हाफन पर यानी नीवा हाफन कॉम्प्लेक्स पर 160 किलोग्राम यामी यानी बाउतलान से मारोवाना कब्जे में लिया गया है।
एक कंट्रोल के दौरान एक फ्रख्त फूर्तव में एक फ्रख्त वाहन में ये जो तसन में रखा गया था ये यमी मिला है। नारकोटिका ब्रिखाद और दुआना रिसर्च को लोग यहाँ पर खबर दिए हैं आने के लिए और खोजबीन से ये तमाम जो यमी है ये कब्जे में लिया गया है। जो फ्रख्त वाहन का शोफ्योर था 35 साल का सी सेफ इसको पुलिस गिरफ्तार की है और ये अपने बयान में पुलिस को तीन लोगों का नाम भी बताए हैं जो हाफन के एक बद्रैफ पर वहीं पर काम करते हैं। तो पुलिस इन तीनों लोगों को भी गिरफ्तार किए हैं ए दी दर तहियार फे एन फीरन दर तहियार और एम दी अख्तन त्विन तहियार। इस मामले में आगे खोजबीन हो रहा है। हम आपको ये बता दें कि सरकार ये फैसला किए है कि सभी जो रेपात्रियासी फ्लुख्तन जो है अनेक देशों से ये 7 तारीख फ़रवरी तक ही रहेगा। आखिरी फ्लाइट रहेगा फ़रवरी के 7 तारीख और ये आखिरी रेपात्रियासी फ्लुख्तन रहेगा हॉलैंड हुयाना और अमेरिका से। ब्राज़ीलिया का आखिरी फ्लाइट हो चुका है ये बीते हुए सुख को था और अब कोई फ्लाइट नहीं रहेगा। ये 15 तारीख फ़रवरी तक के लिए तय हुआ है। उसके बाद क्या होगा ये सरकार हमें जानकारी देगा। मिनिस्टर रामादीन प्रेस कॉन्फ्रेंसी पर कहा है कि फ्लिक्स केमा जो है ये पूरी तरह से इसमें आनपासिंग आई है बदलाव आए हैं। सिर्फ जो लोग वापस सुरीनाम देश आना चाहते हैं या किसी और दूसरा देश जाना चाहते हैं मेरी से रेदनन के वास्ते मेरी से बहंडलिंग इलाज के वास्ते इन लोगों को इजाज़त मिलेगा। जो लोग ज़रूरी काम के सिलसिले में सफ़र करना है और एक्सपर्ट्स इत्यादि अगर ज़रूरी है कोई देश जाने के लिए उन लोगों को इजाज़त दी जाएगी उड़ान करने के लिए। बखराफन अंत्येष्टि क्रिया दाह क्रिया तजीस वक्त वीन के वास्ते हम आपको बता चुके प्रोटोकॉलन क्या है। शादी के वास्ते कोई भी डिस्पेंसेशन नहीं मिलेगा सफ़र करने के वास्ते। अगर किसी का देहांत हो जाए तो ये देखा जाएगा एर्स्ट और त्वेद अखराज फैमिली लेदन जो है इन लोगों को सिर्फ इजाज़त मिलेगा सुरीनाम देश आने के लिए या बाहर देश जाने के वास्ते। वैसे इन खसीतरन जो है अगर 6 महीने के लिए आप सुरीनाम देश में रहना चाहते हैं आप यहाँ पर आना चाहते हैं 6 महीने के वास्ते तब आपको इजाज़त मिलेगा। फकांसी खांगर्स को बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जाएगी देश में आने के वास्ते। फिर फरबिंदिंग जिसके बारे में कायदीनों से बातचीत हो रहा है अभी तक चालू नहीं हुआ है लेकिन अगर इस दौरान इस बीच में चालू हो जाएगा तो सिर्फ कारखो के वास्ते रहेगा। हुयाना और सुरीनाम के फिर फरबिंदिंग के बारे में हम बात करते हैं। जो लोग रिक्रियात सी और दन जाते हैं तो अनेक जगह पर जहाँ से लोग गुजरते हैं वहाँ पर रोड ब्लॉक्स भी डाला जाएगा क्योंकि रिक्रियासी उर्दन सभी बंद थे और बंद रहना चाहिए वहाँ पर जाना बिल्कुल मना है। बौतलान से फ्लुख्तन पर जो लोग रिक्रियासी उर्दन जाना चाहते हैं इस पर भी नज़र डाला जाएगा क्योंकि यह बिल्कुल मना है। सिर्फ मेदी से रेदन के वास्ते अगर आपको एक बिनलान से फ्लुख्तन के बाद हम करते हैं रिक्रियासी उर्दन जाना बिल्कुल मना है। सिर्फ मेदी से रेदन के वास्ते इलाज के वास्ते अगर आपको उड़ान करना है तो आपको इजाज़त मिलेगा। सोरखन हो पर कंट्रोल जो है ये और बढ़ा दिया गया है। जैसे मैं आपको बता चुके लॉकडाउन वीकेंड है तो ABS और SVM भी जनता को पुकार किए अपने फरब्रायकर्स को पुकार किए हैं कि आप सरा हिसाब से स्ट्रोम यानि बिजली और पानी का इस्तेमाल करें क्योंकि ये कहा गया है मिनिस्टर अमर रामाधीन के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंसी पर कि ये जो लॉकडाउन रहेगा तो ज़्यादा स्ट्रोम और पानी का इस्तेमाल लोग करेंगे लेकिन अनेक कारण है क्यों ये कहा जाता है कि आप हिसाब से इस्तेमाल कीजिए क्योंकि कुछ टेक्निकल मैंकमेंटन कुछ खमियां हैं और यह है पंपन में ये पूरा तौर से काम नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप इसका ओवर ब्लास्टिंग होगा लोग ज़्यादा पानी स्ट्रोम का इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कि कई ऐसे जगहों पर स्ट्रोम यानी बिजली और पानी नहीं रहेगा। तो लोगों से गुजारिश किया जाता है आप इस पर ज़रूर गौर करें। और हम आपको ये भी बता दें कि एक्स प्रेसिडेंट देसी बौद्ध एक्स लेखर लेदर देसी बौद्ध का जो स्ट्राफ साक है इनका मुकदमा जो है सुख को फिर से पेश हुआ है ऑडिटर मिलिटेर मनरो दानिंग के जरिए जो
बातें सामने रखा गया था जिससे इनका वकील बाउतरशा का वकील इरविन कन्हाई सहमत नहीं था, एक्सेप्सिस जो था जिससे वो सहमत नहीं था ये रखा गया है इनके सामने। ये बाउतरशा के 8 दिसंबर फरशेद साग में ये सिटिंग फ्रेरख को था, सुख के था, लेकिन अब टाल दिया गया है और जारी होगा फरवरी की 26 तारीख से 27 फरवरी को। ओपन बार मिनिस्ट्री को 2 हफ्ते का मोहरत, 2 हफ्ते का समय मिला है और ये क्रैक्स रात के ज़रिए ये जो इरविन कन्हाई बातें सामने रखे हैं इस पर गौर करने को और इस पर अपना रिएक्शन देने के वास्ते। कन्हाई का ये मानना है कि ये दख फारदखिंग जो है बाउतरशा का ये सही नहीं है, कानूनन सही नहीं है और इस बारे में अब डनिंग जो है इसको जवाब देना है। लेकिन कन्हाई का ये मतलब है कि ये डनिंग जो है जब ये दख़फ़ारदख़िंग दस्तखत हुआ था इसलिए वो सहमत नहीं दख़फ़ारदख़िंग से। कन्हाई का ये मानना है कि यह दख़फ़ारदख़िंग जब डनिंग ने दस्तखत किए थे तब वो फंक्शन में ऑफिशियल नहीं था, उस पदवी पर ऑफिशियल इनका बनूमिंग नहीं हुआ था। और भी ये कहा गया है कि अमनेस्टी वेद का तुत सिंह जो है ये क्रैक्स रात नहीं लेकिन सिर्फ एक बर्गर रेख्तर कर सकता है। तो इस मुकदमा के बारे में हम आगे खबरों में आपको बताएंगे। प्रेसिडेंट क्रैक्स रात का सिंचा फाल्स्टेन मॉन्टनोर जो है ये बाउतरशा से कहा है कि अगले सेटिंग पर इनको मौजूद होना चाहिए। ये आखिरी खबर है आज 7 दिन में। हम इजाज़त लेते हैं आपसे। हम आपसे कहना चाहते हैं COVID-19 मात्र इंग्लैंड पर आप ज़रूर गौर कीजिए। बहुत से लोग विस्मित हैं और मुझे यकीन है कि आप बीमार नहीं होना चाहते हैं, तो आप सावधानी से रहिए, हिफाजत के साथ रहिए, खुद बचिए, अपने चाहने वालों को आप भी हिफाजत कीजिए। लॉकडाउन वीकेंड है, घर पर रहिए, अच्छे अच्छे मज़ेदार चीज़ें आप कीजिए और एक दूसरे के साथ समय आप बिताइए। शुक्रिया, नमस्कार और खुदा हाफिज़।